माई सेल्फ मैं अपने आप को डिफाइन करूंगा एज अ गीक एन अनड कम्प्यूटर साइंस में बहुत डीप जब आप जाते हो आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखने लग जाती है जहाँ पे जो आम आदमी को नहीं दिखेगी नहीं। और इसे ही मैं एक हैकर कहता हूँ कंप्यूटर साइंस कैसे काम करता है कंप्यूटर्स कैसे, कैसे, कैसे काम करते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है क्लाउड कैसे काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है वो समझना इंपॉर्टेंट है क्या हम एथिकल हैकिंग सीखते हैं व्हाट डू वी लर्न हम वो एग्जामिनेशन का फीस दे देंगे पर अगर आप वो एग्जाम तीन महीने में क्लियर नहीं कर सकते हो तो आपको कंपनी से हटा दिया जाएगा क्योंकि सर्विसेज हमेशा स्केलेबल हो ही नहीं सकता टी सी एस इंफोसिस टेक महिंद्रा ये सारी बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज कंपनी है बट तो इन सबको बनाने के लिए 30 साल 40 साल लग गए इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि इंडिया से साइबर सिक्योरिटी डीप टेक

कि आपका फोन आपकी बातें सुनता है क्यों ऐसा होता है कि कई बार हम कोई किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं और कुछ टाइम बाद उसी चीज से रिलेटेड किसी ना किसी सोशल मीडिया पर हमें एडवर्टीजमेंट दिख जाती है सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन पर सिर्फ तब वो आपकी बातें सुनता है जब आप गलती से अलाउ एक्सेस पे परमिशन दे देते हो अपने माइक्रोफोन को हम जब भी कोई फोन में ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे बहुत सारे एक्सेस के मैसेजेस आते हैं अलाउ एक्सेस वाले मैसेज आते हैं आपने देखा होगा तो उस टाइम पे बिना परमिशन को पढ़े हम येस 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 क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देते हैं एंड दैट्स वेयर यू रिस्क योर प्राइवेसी आपको पता भी नहीं चलता कि आपका एक गलत क्लिक कैन टर्न इन टू अर बट हाउ डज़ इट हैपन हाउ इंटरनेट कंप्यूटर्स दी सोशल मीडिया साइट्स कुकीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितनी भी चीजें हैं ये नेटवर्क सिक्योरिटी की पूरी दुनिया आखिर चलती कैसे है और हमारे लिए इसको समझना इतना जरूरी क्यों है ये सब कुछ हम जानने वाले हैं आज के इस एपिसोड में फ्रॉम अ मैन हुज़ अ डीप नॉलेज अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्यूटर साइबर क्राइम और जिनकी कंपनी दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज मेटा के एफ डेल इस तरह की कंपनीज को एम्पावर करती है टू मैनेज देयर साइबर रिस्क इनका सैस का एक प्रोडक्ट है जो कि ट्रस्टेड है ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स के द्वारा एंड दिस कंपनी अ वैल्यूएशन ऑफ मोर देन 100 मिलियन डॉलर मतलब लगभग हजार करोड़ का वैल्यूएशन इनका अभी करंट में है तो वी आर डिलाइटेड टू प्रेजेंट टू यू द टेक गीक द फाउंडर ऑफ सेफ सिक्योरिटी मिस्टर साकेत मोदी ओनली ऑन द रिच पॉर्ड बाई आर सो so, एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं कैसे आता है ये दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप सोच के तो नहीं किया होगा बस एक आइडिया आया होगा कि यार ये करके देखते हैं ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते तो वो प्रॉब्लम क्या दिखी थी आपको मार्केट में व्हेन यू स्टार्टेड सो मैंने हम मेरे ऑन्ट्रप्रनोरशिप जर्नी स्टार्ट की थी मेरे कॉलेज से जहाँ पे मैं मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ जयपुर के एक कॉलेज से उसे कहते हैं एल एन एम आई आई टी एल एन मित्तल की कॉलेज है ठीक है उनकी ड्रीम थी एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की और काफ़ी काफ़ी अच्छे स्तर पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और एल एन मित्तल साथ में आके उन्होंने ये कॉलेज को फाउंड किया और वहीं पर थर्ड थर्ड ईयर में मैंने आ, मैंने अपने स्टार्टअप को फाउंड किया आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या आइडिया आया आइडिया की भी पहले एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं अपने आप को अगर इफ़ आई टू डिफाइन माई सेल्फ मैं अपने आप को डिफाइन करूंगा एज अ गीक एन अ नर्ड तो इसलिए गीक और नर्ड मैं अपने आप को कहता हूँ क्योंकि आ, आप जब ये देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ें मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें ये मेरी काफी काफ़ी डीप इंटरेस्ट टॉपिक रहा था हमेशा से <laughs> अगर आप मेरे रिपोर्ट कार्ड को देखोगे कभी भी स्कूल में या कॉलेज में उसमें लाल मार्क्स ज़्यादा होते थे ब्लू से क्योंकि मैं काफ़ी ख़राब स्टूडेंट था हमेशा पर कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स और फिज़िक्स तीन ऐसे सब्जेक्ट्स थी जहाँ पे ज़्यादातर मैं टॉप ऑफ द क्लास रहता था या फिर काफ़ी काफ़ी यू you नो know, काफ़ी अच्छा कर क्योंकि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था और इस कारण मैं ये बता रहा हूँ आपको क्योंकि पैशन कंप्यूटर साइंस था पैशन ऑन्टरप्रन्यरशिप <laughs> <entrepreneurship> नहीं थी <laughs> और कंप्यूटर साइंस में बहुत डीप जब आप जाते हो तो आ, आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखने लग जाती हैं जहाँ पे जो आम आदमी को नहीं दिखेगी नहीं, नहीं। और इसे ही मैं एक हैकर कहता हूँ कि हैकर की डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये होती है कि कोई चीज़ को इस तरीके से यूज़ करना जि, जिस कारण वो ओरिजिनली डिजाइन नहीं की गई थी यानी कि अगर मैं ये कप को लूँ और इसके अंदर ब्रश डाल दूँ और इसको ब्रश होल्डर की तरह यूज़ करूँ तो ये आपने हैक कर लिया कप को क्योंकि इस कप की डिज़ाइन ये सोच के की गई थी कि इसमें लोग कुछ पियेंगे ये नहीं, नहीं, नहीं सोच के की गई थी कि इसमें ब्रश, ब्रश भी रखेंगे रहे। तो आप किसी भी चीज़ को अगर इस तरीके से इस्तेमाल करते हो जिसमें उसका जो उसके जो ओरिजिनेटर है उसके जो उसके जो क्रिएटर है उन्होंने उसका उस तरीके से इस्तेमाल इन्विजन नहीं किया होता है उसे उसे हैकिंग कहते हैं तो जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन को अगर फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गई तो वो इस तरीके से चीज़ें देखते हैं इस तरीके से चीज़ें आ, सोच सकते हैं फिजिक्स के बारे में जो नॉर्मल लोग नहीं सोच सकते कि एनर्जी और मास में कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जैसे ईक्ल एम सी स्क्वायर और मैं इसलिए खाली आपको बता रहा हूँ क्योंकि आ, उसी तरीके से जब वो बहुत डीप फिज़िक्स में चल जाते हैं तो उसको आप ट्विस्ट और बेंड कर सकते हैं तो उसी को हैकर बोलते हैं उसी तरीके से मैं कंप्यूटर साइंस में काफ़ी डीप गया क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा था अपनी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में काफ़ी इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में इसके कारण जब मैं काफ़ी डीप तरीके से उसको समझने लगा तब यह भी समझने समझ समझ आ गई कि चीजें किस तरीके से ट्विस्ट और बेंड की जा सकती है आप कैसे एक वेबसाइट पर जाकर कुछ ऐसी क्वेरीज डाल सकते हो उसी वेबसाइट के सर्च बार में या लॉग बार्स में या वो जो फॉर्म होता है गेट और पोस्ट मेथड से कुछ ऐसी क्वेरीज डाल सकते हो जिससे बिना पासवर्ड के आप अंदर घुस सकते हो oh. आप कैसे कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसा प्रोग्राम डाल सकते हो एक एम थ्री फाइल या एक मूवी पे कोई क्लिक करे तो मूवी तो चालू हो जाए पर पीछे उस कंप्यूटर का पूरा एक्सेस आपको मिल जाए क्या सही है सो <laughs> सो so, so उस तरीके की चीजें जब आपको समझ आने लगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में हा? जब मैं मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था तब ये भी समझ आया कि ये काफ़ी सारे लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इस नॉलेज आपने कितनी बार किया किया। बहुत <laughs> तो, किया बहुत बार बार शुरुआत में इनफैक्ट मेरा मेरा पहला हैक जो मैंने किया था वो मैंने स्कूल में किया था क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट होती थी जहाँ पे आ, मेरे करीब चालीस के ऊपर कभी मार्क्स नहीं आए तो मेरी प्रिंसिपल आकर मेरी केमिस्ट्री टीचर आके अः उन्होंने मेरे प्री बोर्ड्स में बोला था कि हाँ। बेटा देखो अगर प्री बोर्ड्स में केमिस्ट्री पास नहीं करते हो तुम तो तुम्हें बोर्ड्स नहीं दिया देने दिया जाएगा आ, क्योंकि आ, हम अपने स्कूल से किसी को फेल होता हुआ नहीं देख, नहीं सकते, देख हैं। सकते हैं तो इस कारण कुछ तो करना था और वो पढ़ाई नहीं थी तो इसी कारण ये सारे पेपर्स हमारे कंप्यूटर लैब में बनाए जाते थे और कंप्यूटर लैब में no. मैं काफ़ी काफ़ी समय बिताता था उस टाइम काउंटर स्ट्राइक खेलते हुए और काफ़ी सारी चीज़ें प्रोग्राम करते हुए तो मैंने किसी तरीके से जिस कंप्यूटर पे ये टाइप होता था पेपर उसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करके वो जो वर्ड फाइल थी केमिस्ट्री पेपर की उसे डाउनलोड किया पर वो फाइल के अंदर पासवर्ड लगी हुई थी हाँ। क्योंकि आपको पता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कुछ फाइल बना सकते हो उसे सेव कर सकते हो पासवर्ड के साथ हाँ। में तो ऑब्वियसली उस फाइल पे पासवर्ड लगी थी तो मैंने वो फाइल तो ले ली घर तो ले आया पर उसे खोल नहीं पाया तो उस कारण फिर मैंने थोड़ा गूगल सर्च किया कि आप किस तरीके से एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट को क्रैक कर चारी सकते हाँ, हाँ, कर, सकते हो, खोल तो एक तरीका होता है जिसे बहुत जिसे हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक बहुत सिंपल आ, सिंपल हिंदी में हाँ, आप ऐसे सोच के देखिए कि आपका पासवर्ड हाँ, हमेशा स्मॉल ए के बिगर ए के वन टू नाइन जीरो टू नाइन और स्पेशल कैरेक्टर आपका पासवर्ड ये चार, चार चीजों के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा।, बनेगा अगर कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो किसी उसी फाइल पे सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करे मतलब एक सेकेंड में पचास हजार पासवर्ड ट्राई करे ए ए बी ए सी ए एफ ए और वो करते जाए करते जाए उच्छा करते उच्छा जाए उच्छा तो कहीं पे तो जाके लगेगा ही तो वही मैंने एक बड़ा सिंपल सा एक टूल नहीं, नहीं, इंटरनेट नहीं से नहीं होगा कि, नहीं हो कि इन्फिनिटी तक ही होते रहे बिल्कुल हो सकता है अगर आपके पास कंप्यूट हो आपका सीपीयू का पावरफुल इनफ हो आ, तो आप उसे इन्फिनिटी तक कर सकते हो और इन्फिनिटी की जनरली इसलिए जरूरत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे आपके फाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शन है ना क्योंकि आपके छब्बीस लोअर केस छब्बीस अपर केस दस नंबर और गिने चुने स्पेशल कैरेक्टर्स है अगर आप वो सब मिलाते हो तब टोटल मिला के सत्तर अस्सी भी नंबर काफी बड़ा है तो इस कारण आपको कंप्यूटर की जरूरत है क्योंकि आप अगर एक एक करके करोगे तो आप नहीं कर सकते हो तो ये चीज मैंने भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी मैंने एक सिंपल डाउनलोड किया ये ऑलरेडी एक, एक टूल बना हुआ था तो और उसके अंदर खाली डॉक्यूमेंट डाला दो तीन घंटे चलाया और वो इमिडियटली क्रैक हो गया तो वो क्रैक हो गया और फिर uh, मुझे uh, मुझे uh, उस पासवर्ड oh, और <laughs> so, हाँ वो 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 मेरा पहला हैक था ऑल uh, तो मैंने जाकर uh, hmm. मैम को ये बात बता दी थी hmm. कि मैम देखिए मेरे पास पेपर है और मैम काफ़ी काइंड थी ये बोलने के लिए कि देखो ये तुम्हारा बोर्ड के पहले आखिरी एग्ज़ाम है इस कारण मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर देती हूँ बट आ, बट बट उस उस एग्ज़ाम में भी गिन के मेरे फोर्टी ही नंबर आए थे क्योंकि उसको याद करना याद करना भी बड़ी मेहनत होती थी तो मैं हमेशा ही ऐसे रहा हूँ जहाँ पे जो चीज़ इंटरेस्ट होती है उसके अंदर काफ़ी घुस जाते हैं अपने और जो चीज़ इंटरेस्ट नहीं होती है वो पता नहीं कि कभी से उसपे uh, उस पर उस मेहनत करना या उस पर समय बिताना हैज नेवर बीन वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स सो सो वो मेरा पहला हैक था मैं आपने सेंस ये पूछा कि उसके पहले आप हैक करते थे क्या डेफिनेटली और ये एक ऑलमोस्ट सुपर पावर बन जाता है जैसे आप, आप आपको एक ऐसी चीज़ समझ आ जाती है ना अब ऐसे सोचिए अगर आप एक कार के मैकेनिक हो आ। uh, uh, तो आपके पास एक सुपर पावर होता है क्यों क्योंकि लोगों के लिए गाड़ी होती है खाली पर अगर आप मैकेनिक हो आपको पता है उसके अंदर क्या चल रहा है तो आप उसके इंजन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप उसके ब्रेक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप उसकी स्क्रीन को चेंज कर सकते हो आप उसकी सीट्स चेंज कर सकते हो वो इस कारण क्योंकि आपको उस कार के अंदर क्या चल रहा है उसकी समझ, समझ, है। समझ बहुत अच्छे से है मैंने वहीं से स्टार्ट किया था अपना करियर कि कंप्यूटर्स के अंदर इंटरनेट के अंदर मोबाइल फोन के अंदर चल क्या रहा है जब आप वहां से समझ शुरू करते हो उसके आगे जाना ये समझना कि अरे उस इंजन के अंदर ये प्रॉब्लम है इस कारण मैं उसको किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ दोनों ऑप्टिमाइज करने के लिए पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए इधर वेज वो 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 काम आ जाता है सो so, वहीं पे जर्नी शुरू हुई थी और आज करीब करीब दस साल तक आ, मैं स्टिल स्टक एट माई फर्स्ट जॉब स्टिल स्टक एट माई फर्स्ट जॉब आइडिया जो था मतलब तुरंत आपने मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया अकेले इम्प्लीमेंट किया या कुछ परेशानियां भी आई थी कोई फाउंडर को, मिला था आपको इनिशियली क्या सीन क्या था पूरा सिनेरियो क्या था फैमिली सपोर्टेड यू एट द फर्स्ट प्लेस जब आपने बोला कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है तो उन्होंने नहीं बोला कि गवर्नमेंट जॉब करो <laughs> मेरे सो तो आपके दो सवाल अगर मैं आ, इस पूरी बात से निकालूं रिवर्स रिवर्स ऑर्डर में जाऊं आपने जो बताया सो पहले फैमिली की बात करते हैं एक चीज़ जहाँ पे मुझे बहुत मैं मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ मेरे पास दो डिग्रीज है एक है मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और दूसरा है मैं मारवाड़ी हूँ कैलकटा से क्या बात है <laughs> इस कारण बता रहा हूँ मैं ये क्योंकि जब मैंने अपने फादर से ये पूछा कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या मैं एक स्टार्टअप कर सकता हूँ मैं कंपनी चला सकता हूँ hmm. तो उनका रिप्लाई तो ये था कि इसमें पूछने की क्या बात है तो जाओ है? और वर्को इसी के लिए तो पैदा हुए थे सो <laughs> सो <यही करना है. laughs> so, uh, so वो एक बहुत ही नेचुरल इनफैक्ट आई नो uh, काफ़ी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है अपने पेरेंट्स के साथ uh, पर uh, क्योंकि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से आता हूँ hmm. इसका एक एडवांटेज ये होती है कि uh, मैंने अपनी जिंदगी भर खाली मेरे फादर को ही नहीं पर मेरी ऑलमोस्ट ज़्यादातर फैमिली को बिज़नेस करते हुए देखा है तो जब आप यही देखते हुए बड़े होते हो तो आपको अपना खुद का बिजनेस करना बहुत ही नेचुरल उसमें कुछ आ, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता Correct. पर उसमें उसकी डाउनसाइड भी होती है एक चीज़ और उसका डाउनसाइड ये होता है कि जनरली ज़्यादातर मारवाड़ी बिजनेसिस लाला जी के बिजनेसिस होते हैं इसका मतलब कि ये सोचना चाहे वो मेरे फादर हो मेरे रिलेटिव्स हो या बियॉन्ड उसकी जो इकोसिस्टम है उनको ये समझना कि आज के दिन जब मैं मैं हमारी कंपनी चला रहा हूँ जिसकी आज के दिन वैल्यू हज़ारों करोड़ रुपए हैं उसका 100% ओनर मैं नहीं हूँ हाँ।, हाँ।, मैं उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ हाँ। मैं उसका सीईओ हूँ और फाउंडर हूँ इसके कारण मेरी इन्फ्लुएंस उस स्टार्टअप के ऊपर सबसे ज्यादा है पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारा बिजनेस है वो खाली हमारा बिजनेस है और है। वो किसी और का नहीं है जो पुराना तरीका है लाला जी की कंपनी जहाँ पे एक लाला जी है जो कंपनी ओन करते हैं और सब उनकी नौकरी करते हैं इस तरीके की Thought process हमारे स्टार्टअप में नहीं है हाँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे स्टार्टअप में मेरे से कहीं गुना ज्यादा स्मार्ट है करेक्ट तो जब इस तरीके के लोग आप लेके आते हो और मेरे लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनर्स यही है कि मुझसे कहीं गुना स्मार्ट लोग एक्सेप्ट करते हैं मेरे साथ काम करना सो so जब ऐसी चीज़ें होती है वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मैं उनसे ज्यादा सुपीरियर हूँ या वो मुझसे कम, कम सुपीरियर सुपेरियर है। हम एक प्यर की टीम है हम मैं हमेशा ये एग्जाम्पल भी देता हूँ कि इस तरीके का सोच अगर हम सोचे कि एक ऑलमोस्ट लाइक like हम एक क्रिकेट की टीम की तरह हैं जहाँ पे कोई बॉलर है कहाँ पे कोई बैट्समैन है और जहाँ पे कोई विकेट कीपर है अगर बॉलर सही नहीं परफॉर्म करे बैट्समैन कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले आप कभी नहीं जीत सकते हो उसी तरीके से मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज ए सीईओ एंड फाउंडर उसी तरीके से मेरे इंजीनियरिंग लीडर की मेरे प्रोडक्ट लीडर की मेरे मार्केटिंग लीडर की मेरे सेल्स लीडर की मेरे कस्टमर सक्सेस लीडर की हर लीडर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अगर उनमें से कोई भी परफॉर्म नहीं करता है तो, तो, तो हम सब हम सब गेम ही नहीं पूरी की पूरी चैंपियनशिप हार जाएंगे तो वो सोच का तरीका जनरली एक मारवाड़ी बिजनेस में या गुजराती बिजनेस मैं तो एक्सटेंड भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी ट्रेडिशनल तरीके हैं बिजनेस सोचने की hmm. वो जनरली ये ये जनरली कंसीव नहीं होता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता Correct. है और वो सारी चीजें तो पॉजिटिव तो ये ज़रूर था जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल यू नो नैक्ट आई शुड डू बट द डाउन साइड वॉज कि अब मेरे पेरेंट्स मेरी फ़ैमिली बहुत अच्छे से समझती है क्योंकि मैंने काफ़ी समय से इसे एग्जीक्यूट किया है और हम बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए बट शुरुआत में, में, में वो ज़रूर ऐसा होता था कि अरे लोग जा रहे हैं छः बजे उसने वो लाइट खुली छोड़ दी और तुम उसको कुछ नहीं बोल रहे हो सुबह नौ बजे नहीं वो सवा नौ बजे आ रहा है तुमसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो ऑफिस की गाड़ी है या ऑफिस का गेस्ट हाउस है वो तो हमारी ही गाड़ी है हमारा ही गेस्ट हाउस है ये चीज़ें शुरुआत में वो काफ़ी तरह क्योंकि उनका सो... उनकी गलती नहीं क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसेस पहले ऐसे ही चलते थे पर आज के दिन जब आप स्टार्टअप इको की बात करते हो खाली इंडिया में ही नहीं बट ग्लोबली वो उसी तरी वो वो एक अलग तरीके से चलते हैं तो आई होप ये आपका फैमिली वाला जो क्वेश्चन है ये ये उसमें आंसर हो गया सही और शुरुआत में को मिले थे आपको हाँ सो को फाउंडर्स की बात रही uh, मेरे दो को फाउंडर्स और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ uh, कि आज करीब करीब दस साल बाद भी uh, हम साथ में काम करते हैं वो लोग मुझसे भी ज्यादा हार्ड वर्किंग है और कोफाउंडर uh, होने की एडवांटेज ये सबसे बड़ा होता है कि आप ऐसे सोचिए कि अगर आप इस दीवार को तोड़ना चाहते हैं आप अकेले तोड़ रहे हैं और आपके साथ अगर और तीन लोग पांच लोग दस लोग सौ लोग मिलकर ये दीवार तोड़ना चाहे किसकी ज्यादा प्रॉब्लिटी है कि दीवार टूटेगी ऑब्वियसली ज्यादा लोगों लो लो की तो एग्जैक्टली exactly वही तरीका होता है को के लिए मेरा आ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ मेरे दो को फाउंडर्स विदित और राहुल आ, आज विदित इत हमारे हेड ऑफ सिक्योरिटी इंटरनली है वो हमारे थ्रेट इंटेलिजेंस को लीड करते हैं राहुल यहाँ इंडिया बेस्ड है विदित न्यूयॉर्क बेस्ड है जबकि राहुल यहाँ पे इंडिया बेस्ड है वो हमारा इंडिया बिजनेस देखते हैं तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास इतने स्ट्रॉन्ग को फाउंडर्स रहे हैं जहाँ पर हम खाली स्किल्स वाइज साथ में काम करें वो तो वो तो गिवन है कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आप स्टार्टअप चलाते ऐसे बहुत बहुत सारे समय आता है जहां पे लेवल की अनसर्टेंटीज होती है आपके पास अगले महीने देने की सैलरी भी है या नहीं, नहीं, नहीं है right? कि आपका जो प्रोडक्ट आप सोच रहे हो सर्विसेज सोच रहे हो उसको कोई खरीदेगा भी या नहीं खरीदेगा और उस समय अगर आपके सही लोग आपके साथ हो जो आपके साथ ब्रेनस्टॉर्म कर सके आपको पुश कर सके आपको चैलेंज कर सके और फिर जब आप अग्री करो साथ में कि हमें कुछ करना है उसके अंदर अपना तन मन धन के साथ पूरे तरीके से लग जाए आप ऐसे लोग होना आपके साथ में वो 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 मेरे हिसाब से डिवाइन स्टार्टअप के लिए इट इज एब्सोल्युटली डिवाइन बिल्कुल हमें पता भी नहीं होता हम कब किससे कहां मिलते हैं और उसके बाद uh, मतलब हाउ एवरीथिंग फॉल इन प्लेस हम कहाँ किससे मिले थे और कब वो काम आ रहा है बंदा और उसके साथ में मिलके बिजनेस कर रहे हैं कुछ हमें समझ नहीं आता बहुत सही बोल रहे हैं आप जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दिया आई फेल टाइप बॉडी पार्ट्स हाथ अगर बोल दे कि मैं काम नहीं कर रहा पेट बोल दे कि मैं खा ही नहीं रहा आंख बोल दे कि सारा काम मैं ही करता हूँ ठीक है मैं देखता हूँ तभी तो तू खाता है देखूंगा ही नहीं मुंह बोल दे जुबान बोल दे कि नहीं मैं चबाती हूँ तभी तो तू खाता है तो हर बंदे का अपना अपना रोल है और तभी जाके हमारी बॉडी चलती है दैट इज हाउ बिजनेस इज वर्क बिजनेस मॉडल क्या था आपका सो so, हमने शुरुआत कैसे ये हजारों करोड़ की कंपनी बनी हमने शुरुआत किया था एज ए सर्विस कंपनी क्योंकि हमें समझ आ गया था कि वेबसाइट्स को एप्लीकेशन को सर्वर्स को साइबर को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें ये समझ आ गया था उसे हैक कैसे कर सकते हैं क्योंकि हमें ये समझ आ गया उसे हैक कैसे कर सकते हैं तो उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है दूसरे हैकर्स से हमें ये भी समझ आ गया वो बड़ी फेमस लाइन है ना धूम में कि एक चोर को पकड़ने के लिए चोर के दिमाग से सोचना पड़ता है बिल्कुल so, सो उसी तरीके से साइबर स्पेस में ये समझना कि एक साइबर चोर इन अदर वर्ड्स साइबर हैकर किस तरीके से सोचता है हमारी शुरुआत वहाँ से हुई थी इस कारण हमने ये भी जो स्टोरी शेयर की कि किस तरीके से हम हैक करते थे पहले मतलब हम तीनों ही लोग वो करते थे और हमारी एक्सटेंडेड टीम भी जब आई तो हमने क्योंकि हमें साइबर की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी थी उस कारण हमने ऐसे लोग लेके आए जो हमसे भी दस गुना ज्यादा टैलेंटेड हो तो ये ये एक बड़ा सिंपल बार रहा है मेरे साथ में पिछले दस साल में कि मैं किसी को हायर करता ही नहीं हूँ जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट ना हो तो ये बाई डिजाइन वो हो जाता है कि जब मैं मुझसे ज्यादा स्मार्ट को हायर करूँ और वो उससे ज्यादा स्मार्ट हायर करे तो वो एक ऐसी टीम बन जाती है जिस कारण आ, अच्छी चीज़ें अपने आप होने लगती है पर आपका जो क्वेश्चन है बिजनेस मॉडल क्या था हमने शुरू किया था एज अ सर्विसेज कंपनी क्योंकि हमें ये समझ आ गया था कि वेबसाइट्स किस तरीके से प्रोटेक्ट करवा कर सकते हैं हम तो हमने दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज उस टाइम गूगल फेसबुक पेपैल वीजा मिकिंजी ब्लैक रॉक्स दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज और भारत देश में भी चाहे वो भीम यू पी बिफोर इट वॉज लॉन्च उसकी एंड टू एंड सिक्योरिटी हमने की थी oh, nice. आ, इंडिया wow. के सबसे बड़े बड़े बैंक चाहे वो आई सी आई सी आई एच डी एफ सी चाहे वो अब किसी भी इंडिगो एयरपोर्ट दे एक समय पे हमारे पास करीब करीब 200 सौ प्रोजेक्ट पैरल चल रहे थे आ, क्योंकि उ, उसकी साइबर सिक्योरिटी हम काफ़ी डीप तरीके से कर रहे थे और हमारे पास ग्लोबल और इंडियन कस्टमर्स सारे थे पर हमें ये समझ आया कि पिछले सबसे पहले छः साल हमने जो सर्विसेज कंपनी चलाई तो उस समय हमें 2018 की बात है करीब करीब आ, हमारा बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा था करीब करीब ईयर ओवर ईयर हंड्रेड परसेंट ईयर ओवर ईयर हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा था hmm. हमारे पास रेवेन्यू काफी सारे कंट्रीज से आ रहा था hmm. काफ़ी सारी कंपनीज हमारे पास आ रही थी ये कहने के लिए कि आप हमारी भी वेबसाइट्स को सिक्योर करो हमारे एप्लीकेशन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करो hmm. पर हमें ये भी समझ आया क्योंकि सर्विसेज बिजनेस था hmm. हमारे ग्रॉस मार्जिन वहाँ पे वर लेस देन थर्टी टू फोर्टी परसेंट प्लसिटी वहीं स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है कि हम जिस रेवेन्यू पे चल रहे थे उस समय वहां से सौ गुना हजार गुना ज्यादा रेवेन्यू करने के लिए हमें पचास साठ सत्तर लोगों को हायर करना हायर पड़ता है।, है। और है। ये मेरे अंदर काफी सारी बुरी चीजें हैं, बट एक ऐसी बुरी चीज जिसके ऊपर मैं काम नहीं कर रहा हूँ वो है मेरा कारण हाँ। मैंने ये आपको बताया क्योंकि क्योंकि मैं मैंने मैंने जब वो मैथ किया और वो सिंपल एक्सेल शीट में किया कि अगर हम हमारे बिज़नेस को इतना बढ़ाव करना चाहते हैं और उस कारण इतने लोगों को हायर करना पड़ेगा और उसकी एक नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री एक, एक होती है कि हुँ. आप एक दिन में पच्चीस हजार लोग को हायर नहीं कर सकते उसमें आपको पांच साल दस साल लगते हैं प्लस इतने स्किल्स स्किल्स भी नहीं नहीं होंगे ना भारत में उस टाइम पे लोगों के अंदर स्किल्स नहीं थे पर हमने उसके लिए थोड़ा सा चेंज इस तरीके से किया था कि हम लोगों को हायर करके स्किल करवाते थे पहले सिखाएंगे हाँ और इनफैक्ट उसमें भी हमने बार उसमें उसमें हमने बार बड़ा उसमें भी हाई रखा था दुनिया की सबसे डिफिकल्ट सर्टिफिकेशन होती है साइबर सिक्योरिटी में जिसे कहते हैं ओ offensive security certified professional है। ये एक यूएस की बॉडी है जिसको कहते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी वो एग्जाम लेती है आपका और उनका एग्जाम क्या होता है उनके एग्जाम में कोई क्वेश्चन और आंसर्स नहीं होते उनको खाली वो आपको खाली पांच वेबसाइट्स देते हैं और आपको वो पांच वेबसाइट्स हैक करके 24 घंटे में उनका डाटा निकाल के

आ, ये दिखा रखा है कि वो काफी अच्छे हैं चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे वो स्विमिंग में हो चाहे वो टेबल टेनिस में हो चाहे वो बॉलिंग में हो कहीं पे भी पर कहीं ना कहीं पे उनका दिखता है कि वो नंबर वन रह चुके हैं विनिंग क्वालिटी होनी चाहिए उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि नंबर वन होने का मतलब क्या होता है जब हम ऐसे लोगों को हायर करते हैं और हम बोलते हैं कि हम आपकी हजार डॉलर की फीस दे रहे हैं अगले तीन महीने में ओ सर्टिफिकेशन आपको क्लियर करना है और हम खाली कंप्यूटर साइंस वाले लोगों को लेते थे क्योंकि वही तीन महीने में कर सकते हैं क्योंकि अगर नॉन कंप्यूटर साइंस से लो तो ऐसा नहीं वो नहीं कर सकते पर उनका समय बहुत ज़्यादा लग जाता ऑनबोर्ड करने के लिए तो हमारा रूल बड़ा सिंपल था हम वो एग्जामिनेशन का फीस दे देंगे पर अगर आप वो एग्ज़ाम तीन महीने में क्लियर नहीं कर सकते हो तो आपको कंपनी से हटा दिया जाएगा तो उसके कारण हुआ क्या ज़्यादातर लोग वो इतना मेहनत करके वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते थे तो जब वो इतने इतने अच्छे लोग एग्जाम्स क्लियर कर लेते ओएससीपी ओ एस के हमारा जो क्वालिटी था डिलीवरी का वो बहुत जबरदस्त था उस कारण

कि अगर आईसीआईसीआई बैंक एच बैंक उनके साथ उनको तीस लाख चालीस लाख पचास लाख रुपए देना अपने सिस्टम्स की सिक्योरिटी कराने के लिए इट्स अ राउंडिंग ऑफ एरर उनके लिए वो एक बहुत ही छोटी बात है और वो सारी चीजें <laughs> तो इसलिए आपको बता <laughs> छोटी चो, सी चीज है उनके लिए तो इस कारण मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब आप वो सिस्टम्स की बात करते हो तो ऐसे लोगों को हमने हायर किया जो बहुत यंग लोग होते थे और उनके अंदर भूख बहुत होती थी तो उनको हायर करके वो सर्टिफिकेशन कराना और वो सर्टिफिकेशन के बाद हमने वो डिलीवरी क्योंकि काफ़ी हाई लेवल पे अपने आप डिलीवरी चल जाती है क्वालिटी अपने आप ऊपर हो जाती है क्योंकि बड़े सिंपल तरीके से हमने आ, हमने यू नो वी विल गो अहेड एंड वी विल हैव द बेस्ट पीपल डिलीवरिंग दैट और क्या होता है उसके कारण जनरली अगर आप अच्छा काम करते हो आपकी सबसे अच्छी मार्केटिंग हमेशा होती है एक तो वो एक आ, आ, अगर हम एक बैंक के लिए करेंगे वो दूसरे बैंक के सिक्योरिटी लीडर को बताएगा वो तीसरे को बताएगा और उसी तरीके से हमारा बिजनेस ग्रो करने लगा पर उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि छह साल बाद हमें जब ये समझ आया कि ये हम कर तो सकते हैं पर इसके अंदर हम कभी बड़ी कंपनी नहीं बन सकते जिसका वैल्यूएशन हजारों करोड़ हो जिसकी रेवेन्यू हजारों करो, करोड़ रुपए हो तो उस कारण हमने अपना मॉडल पूरा फ्लिप किया और वो भी 2018 में हमने किया जहाँ पे जहाँ पे मतलब हमारा हमारी स्टार्टअप का वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाला ईयर था Uh, काफ़ी सारे लोग इंक्लूडिंग uh, मेरे दोस्त लोग हमारी फैमिली वो सब आके बोले कि कैसी बात कर रहे हो तुम्हारा बिजनेस तुमने छः साल में ये सेटअप किया है और लोग जानते हैं सारी चीजें और कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स तुम कर रहे हो उसी टाइम भीम लॉन्च हो रहा था यू लॉन्च हो रहा था हमने आधार की सिक्योरिटी की थी उसके पहले हम काफी सारे क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी करते आए हैं तो उस समय ये बोलना कि आप वो बिजनेस बंद करके एक साइबर सिक्योरिटी के प्रोडक्ट बिजनेस में जाओगे

अपनी ऑब्जेक्टिव ये कभी नहीं थी कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी करनी है या हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा से ये रहा था कि हम एक ग्लोबल स्केल पे hmm. किस तरीके से ग्लोबल इकोसिस्टम को ज्यादा सिक्योर्ड बनाए और वो इम्पैक्ट करने के लिए क्योंकि दुनिया के अंदर पिछले पचास साल में ह्यूमैनिटी हैज बिकम मोर कम्फर्टेबल देन द लास्ट फाइव थाउजेंड ईयर्स टुगेदर ट्रू क्यों एक ही चीज के कारण टेक्नोलॉजी के कारण कि टेक्नोलॉजी के कारण चाहे वो आपके एयर कंडीशन हो आपके घर पे या आपका लैपटॉप हो आपके मोबाइल फोन हो आपको हर साधन मिलता है किसी तरीके से भी बिल्कुल आपका आपके पास मल्टीपल तरीके होते हैं और वो सब टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है और अगर टेक्नोलॉजी को और एक्सेलरेट कराना है जिससे कि ह्यूमैनिटी ज्यादा कंफर्टेबल बन जाए ज्यादा खुश नहीं पर ज्यादा कंफर्टेबल बन जाए वो कराने के लिए अगर हमारा एक छोटा सा योगदान उसमें हो सकता है वो एक 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 एक, एक अच्छी इंपैक्ट होगी जो हम बना सकते हैं अब उसमें भी हमें दिन के 18 घंटे लगने वाले थे हम सर्विसेज जब कंपनी चला रहे थे उसमें भी हम दिन दिन में 18 घंटे काम करते थे तो हमने बोला कि यार अगर एक ही चीज करनी है तो एक ऐसी चीज करते हैं जो स्केलेबल हो क्योंकि सर्विसेज हमेशा स्केलेबल हो ही नहीं सकता टी सी एस इन्फोसिस टेक महिंद्रा ये सारी बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज कंपनी है बट इन सबको बनाने के लिए तीस साल चालीस साल लग गए तो जैसे मैंने बताया मेरी इम्पेशस कमज़ोरी है पर उस पर मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ तो मैंने ये देखा कि अगर समय उतना ही देना है मेहनत उतनी ही करनी है तो क्यों ना एक ऐसी चीज़ पे की जाए जहाँ पे उसका आर ओ आए जहाँ पर उसका इम्पैक्ट हम एक ग्लोबल स्केल पे देख सके और इस कारण 2018 में हमने पूरा मॉडल फ्लिप, फ्लिप कर दिया हमने अपने आप को एक साल दिया हमने ये बोला कि हमारे पास 200 प्रोजेक्ट आज के दिन लाइव चल रहे हैं हम रिन्यू नहीं करेंगे कोई भी प्रोजेक्ट हाँ। और अगर एक साल के बाद भी कोई कस्टमर बोलता है कि हाँ। नहीं आपसे ही काम करना है हाँ। हम उसे पैसे वापस दे देंगे हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लेंगे सर्विसेज का 2018 में हमने ये डिसाइड किया 2018 में हमारा रेवेन्यू जीरो पे आ गया और दो हज़ार में क्योंकि वो एक साल तक हमें वो ट्रांजेक्शन करना पड़ा था 2018 से हमने अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और आज के दिन मतलब वो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया अप्रैल 2020 में और आज के दिन करीब साढ़े तीन साल के बाद में आज दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हमारा प्रोडक्ट यूज करती हैं हमने करीब करीब हजार करोड़ रुपए रेज कर रखे हैं उसी टाइम है। पे रेज किए 2020 में आपने। आ, हमने तीन राउंड कर रखा है अभी तक सीड राउंड सीरीज ए और सीरीज बी तो ये तीनों राउंड मिला के हमारा पिछला राउंड अभी हुआ था पिछले साल अप्रैल में जहाँ पे हमने 50 मिलियन डॉलर रेज किए यानी कि करीब साढ़े चार सौ करोड़ रुपए उसके पहले हमने एक साल पहले जुलाई 2021 में तैतीस मिलियन डॉलर रेज़ किए थे जो करीब करीब ढाई सौ करोड़ रुपए होंगे और उसके पहले हमने करीब करीब पंद्रह सोलह मिलियन डॉलर रेज़ किए थे एज सीड फंड जो करीब करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपए होंगे सो सो देखा मैं मल्टियर के साथ अभी बैठा क्या बात है। <laughs> हम 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 बहुत फॉर्चुनेट uh, रहे हैं इस कारण yes. uh, हमने हमने यू you नो know, काफी काफी सारी चीजें राइट टाइम पे राइट right समय पे अगर आप सही uh, जगह पे होते हो

डेल्ट्रा नोवा टेस्ट जी एस के ये सारी कंपनीज हमारे कस्टमर्स हैं जहाँ पे हम इनकी साइबर सिक्योरिटी मेच्योरिटी का असेसमेंट करके उनको देते हैं कितने तो सिक्योर हैं ये कितने सिक्योर है और ये रियल टाइम में करके देते हैं मतलब 365 डेज ऐसे सोचिए अगर आप एक एप्पल वॉच पहनते हो तो एप्पल वॉच आपको ये बताता है कंटिन्यूसली आपके हार्ट बीट को मॉनिटर करके आपके स्टेप्स को मॉनिटर करके कि आप कितने हेल्दी हो और ये आपको हर रोज बताता है वो हम वो सेम चीज साइबर में आप कितने हेल्दी हो हम आप हम तीन सौ पैंसठ दिन बताते हैं वो काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को ग्लोबली सो दैट इज दैट इज दैट इज वी डू टुडे तो इतनी बड़ी कंपनीज पे भी थ्रेट होता है मतलब मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में अब तो समझना ही है कि क्या प्रॉब्लम क्या है मतलब मेरे को जितना मालूम था देखो एम लाइक आई नो नथिंग अबाउट साइबर गेम मतलब टेक्नोलॉजी क्योंकि हमारी टेक टीम है आईटी का पूरा डिपार्टमेंट है बारह लोगों की टीम है जो हमारी कंपनी को मैनेज करती है बट मुझे नहीं पता उसका पूरा हेड है एक बंदा जो संभालता है तो आई वॉन्ट टू नो कि ये क्या थ्रेट्स है क्या ये थ्रेट्स कैसे हो सकते हैं एच ही पता था मुझे एस एस एल और सिक्योरिटी <laughs> वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप देखिए एच या एच है वो और एच अगर है उसका मतलब कि आपके लैपटॉप से जो भी डेटा निकल रहा है वो इनक्रिप्टिड है इनक्रिप्टड है क्योंकि आप कभी सोचिए अगर आप किसी एयरपोर्ट या स्टेशन के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं हाँ जी तो आप जब अपना पासवर्ड डालते हैं हाँ। तो वो उसके भी तो राउटर पे जाता है ना जाता है। तो फिर स्टेशन या फिर एयरपोर्ट के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या उनके ओनर तो फिर आपका पासवर्ड देख सकते हैं पर वो इसलिए नहीं देख पाते क्यों क्योंकि आपके लैपटॉप पे जो भी डेटा निकल रहा है वहाँ से वो ऑलरेडी इनक्रिप्ट होके निकलता है अगर वो एच टी हो उसे भी हैक किया जा सकता है एक अटैक होता है जिसे एस एस एल स्ट्रिपिंग बोलते हैं जहाँ पे वो एच टी टी पी एस दिखेगा बट उसके <laughs> वो, वो, वो अटैक होता है बट ऑन दी अदर साइड मैं खाली इसलिए आपको बता रहा हूँ कि, कि, कि उस कारण वो इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी एस्पेक्ट में आ जाता है पर आपने जो क्वेश्चन पूछा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी क्या हैक हो सकती है और इनकी सिक्योरिटी कैसे काम करती है आपने बताया कि आपके पास एक टीम है आईटी की दस बारह लोग हैं उसमें और आप उसके आई आईटी हेड पे रिलाई करते हो पर आप एक सेकंड के लिए सोच के देखो आपकी खुद की टीम जो है आज आईटी टीम एक तरीका होता है कि वो बैक एंड देखे हाँ कि आपके टैली में अकाउंट्स देखना वो एक हाँ। तरीका होता है दूसरा तरीका होता है कि आपकी सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे अब आपका चैनल जो एडमिनिस्टर करते हैं जी जिस लैपटॉप से उसे एडमिनिस्टर करते हैं जी अगर वो हैक हो जाए लैपटॉप ही हैक ओ सो <laughs> so, अब आप बताइए क्या साइबर हैक से आपको अफेक्ट किया जा सकता है किया जा सकता है अगर कोई जाकर हैक करके आपके चैनल को डिलीट कर दे बड़ी बात है ना तो और और ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल दिया आज के दिन हो क्या गया है कि पहले आज से बीस साल तीस साल पहले साइबर या डिजिटल जिसे हम कहते हैं वो खाली बैक ऑफिस ऑटोमेशन के, के लिए काम आती थी यानी कि हम या तो अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसपे चलाते थे बोल के सॉफ्टवेयर जो काफी पॉपुलर था जहाँ पे आप अपनी बुक्स को रखते थे कि भाई आपका लेजर क्या है इनकम क्या खाता है खाता क्या है आप उसको देखते थे वहां पे आपकी सीआरएम होती थी सेल्सोर्स हब स्पॉट काफी सारे एग्जाम्पल्स है ये आपका बैकहेंड ऑफिस बैक ऑफिस को ऑटोमेट करती थी अगर वो हैक हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी ऑफकोर्स प्रॉब्लम होगी पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी क्यों क्योंकि ठीक है किसी ने टैली का डेटा चुरा लिया पैसे थोड़ी चुराए कोई बात नहीं है नया टैली लगा लेंगे नई एंट्री दे, दे देंगे और वहां से काम शुरू हो जाएगा पर अगर आज के दिन जहां पे टेक्नोलॉजी बिजनेस बन चुका है करेक्ट आज आप जब यूट्यूब से लोगों से बात कर रहे हो आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी है क्योंकि अगर YouTube बंद हो जाए अगर ऑनलाइन चैनल्स ब्रॉडकास्ट करना बंद कर दे तो काफी सारे यूट्यूबर्स उनकी, तो, उनकी तो तो हो जाएगी रोजी रोटी तो एक ही ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है अगर आप दुनिया की ऑलमोस्ट कोई भी कंपनी को लेते हैं आज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कोई बड़ी कंपनी को ले लीजिए जहाँ पे वो खाना के एफ सी की एग्जाम्पल लीजिए पिज्जा हट का एग्जाम्पल लीजिए आज उनका ज्यादातर सेल ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है तो आज अगर के या पिज्जा हट हाँ की वेबसाइट हैक हो जाए जहां पे एक लोग ऑर्डर नहीं कर पाए वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इंपैक्ट है बिजनेस पे डायरेक्ट आज इंडिगो की वेबसाइट स्पाइस की वेबसाइट एयर इंडिया की वेबसाइट हैक हो जाए वो इमीजिएट इम्पैक्ट है आज के दिन एच बैंक में ज्यादा ट्रांजेक्शन डिजिटली होते हैं देन फिजिकल बैंक में तो आज के दिन अगर एच बैंक की ऑनलाइन वेबसाइट बंद हो जाए एक घंटे के लिए अगर वो बंद हो जाए उसमें ज्यादा इम्पैक्ट है राधर देन उनका एक ब्रांच पूरा का पूरा चोरी होके उनके उसके पैसे अगर लुट जाए hmm. तो, तो यानी कि आज हम इस ऐसे ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी आपका बिजनेस बन चुकी है और इस कारण उसे बचाना आपके बिजनेस को बचाने के इकोवेलेंट हो चुका है इस कारण सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी आज के दिन आईटी हेड की प्रॉब्लम नहीं रही करेक्ट है सीईओ की प्रॉब्लम बन गई है क्योंकि अगर एचडीएफसी की बैंक की वेबसाइट ऑफ हो जाती है तो एचडीएफसी के सीईओ को प्रॉब्लम होगा फाउंडर hmm. को प्रॉब्लम होगा हो सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपको आप काफी सारी गलत चीजें हो सकती है उस उस टीम को ही प्रॉब्लम होगा अगले महीने सैलरी में सारे लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है काफी सारी इश्यूज आ सकते हैं उसके अंदर तो होपफुली आपको ये समझ आ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है किस तरीके से इम्पोर्टेंट है।, है।, है और ये चीज इस कारण भी साइबर सिक्योरिटी इंटरेस्टिंग हो जाती है और इस कारण हम जैसी कंपनीज जो अभी भी यंग कंपनीज है वो इसीलिए वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है खाली एक रीजन से क्योंकि हमारा फ्यूचर अगले दस साल बीस साल तीस साल वो जो रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री की वो बढ़ते ही जाएगी बढ़ते ही जाएगी बढ़ते ही जाएगी कहीं पे किसी सेशन के अंदर सुना था, वैसे तो पढ़ा भी था दिर्णा 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 चलो, कुछ, अलग करो, कुछ उल्टा करो कन्वेंशनल जितने भी तरीके हैं उससे बिल्कुल हटके यू डिड लाइक किसकी मूवी देखी थी अपन ने ध्रुव जो अलग अलग जगह चोरियां करता है और क्या था दिर्णा दिर्णा

आ यार, और एजुकेशन भी ऑल दो मैंने कंप्यूटर साइंस से किया पर आज के दिन hmm. आज अगर आप कॉलेज भी ना जाओ और एजुकेशन में कंप्यूटर साइंस ना लो आज के दिन यूट्यूब पे एन पीट बोल के न्पी जैसे न्पी एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर रखी है इंडिया की सारे आई की क्लासेस उसमें रिकॉर्ड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन डाल रखी है उसकी कहते हैं एनपी टी एल Okay. अगर आप उसे गूगल सर्च करो तो आपको जाएगा आप जाकर पढ़ सकते हो जितनी कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं आप अपने फोन पे फ्री ऑफ कॉस्ट उन सारी चीजों को सीख सकते सीख हो सो so, अगर आपके पास एजुकेशन भी नहीं है हाँ। पर ये इंटरेस्ट है आपको इस फील्ड में तो क्या हम एथिकल हैकिंग सीखते हैंकिंगल we well, तो है ऐसे आप जब ऑयल की माइनिंग होती है जी. तो आप ऑयल निकालते हैं क्रूड उयल। क्रूड ऑयल। ऑयल। उसके बाद ऑयल को आप बनाते हैं डीजल पेट्रोल, पेट्रोल कुछ भी बनाना आ, होता आ, है या तो, जो भी।, केरोसीन जो भी। पर जो है वो सेम है आ, उसको ट्रीट कैसे करते हैं उसके बेसिस पे उसकी क्वालिटी चेंज होती है।, है हमारे केस में क्रूड ऑयल है कंप्यूटर साइंस कैसे काम करता है फंक्शन कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है क्लाउड कैसे काम करता है और बीच में इंटरप्ट करने क्यों आ गया बट मैं आपका सिर्फ एक मिनट लूंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मुझे आपसे करनी है तो है क्या कि अगर आपको सीखने को मिल रहा है इन पॉडकास्ट से बाकी भी पॉडकास्ट आपने देखे आपको कुछ लर्निंग मिल रही है आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है चीजों को आप सीख रहे हो तो एक छोटी सी मदद कर दो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते एक भी रुपया नहीं लगेगा आपका अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी पूरी कम्युनिटी को ये फायदा होने वाला है कि हम और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं उनको दिखा सकते हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं और वो बहुत आराम से बड़े बड़े गेस्ट भी हम इन्वाइट कर पाएंगे जिससे उनके एक्सपीरियंस से मुझे और आपको सबको सीखने को मिलने वाला है बहुत मजा आने वाला है टेक केयर वापस चलते हैं पॉडकास्ट के ऊपर अब उसको आप यूज करके एक कंपनी बना ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइबर सिक्योरिटी की कंपनी बना ले, या उसको यूज करके आप एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की कंपनी ये तो आपको कौन सा डिश बनाना, 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 बनाना है वो इस कारण मैं जो लोग सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहूंगा वो जो कोर चीज है वो है ये समझना कि कंप्यूटर साइंस कैसे काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है नेटवर्किंग काम कैसे करती है डेटा काम कैसे करते हैं और बाई द वे ये सारी चीज़ें इतने सुंदर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे एन पे अवेलेबल है हिंदी में तमिल में बंगाली में लैंग्वेज में एब्सोल्युटली आप खाली जाकर देखो किसने किया किया है किस सरकार ने 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 अभी जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ ऑफ इंडिया इंडिया नहीं मतलब जो... ये काफी समय से चलता है, आया है आज मैं इनफैक्ट जब कॉलेज में था आज से करीब दस साल पहले आ, मैं ज्यादातर टाइम कॉलेज में रह नहीं पाता था क्योंकि मैं जाता था बाहर लोगों की ट्रेनिंग लेने मैं सिखाता था साइबर सिक्योरिटी और उस समय क्योंकि मैं कॉलेज में नहीं होता था कॉलेज के कोर्सेज करने के लिए मैं ऑनलाइन ही पढ़ता था when the student is ready teacher appears इंसान को, को जाना पड़ता था अपने गुरु <laughs> के पास अपना अंगूठा कटवाना पड़ता था क्योंकि वो चोरी छुपे वो सीखता था आज के दिन ना अंगूठे कटाने की जरूरत है आप खाली अपना अंगूठा यूज करके यूट्यूब पे जाकर ऑनलाइन जाकर टाइम देना पड़ेगा आपको बस आराम से टिक के एक जगह देखना पड़ेगा नाइस सोलह घंटे दिन में सो so, uh, सोलह घंटे दिन में देना पड़ेगा सो so, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया मैंने अभी पिछले हफ्ते एक मूवी देखी क्योंकि आपने मूवीज की बात की उसे कहते हैं बारबी फेल

चक्की पीस रहे होते हैं वो आटा चक्की पीस रहे होते हैं तो सुबह में वो करते हैं और शाम को पढ़ाई करते हैं पर फिर उनके दोस्त बोलते हैं कि देख अब तूने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है अब अगर मेन सच में क्लियर करना है ना ये काम छोड़ दे हाँ, हम अगले एक साल तक हम ध्यान रखेंगे तेरा पर तेरा काम खाली ये है और वो एक घड़ी दे के जाते हैं उसे उसकी गर्लफ्रेंड आती है उसे घड़ी दे के जाती है बोलती है देखो जब पढ़ाई करना शुरू करो तो इसमें क्लिक करके सोलह घंटे शुरू करना और रात में जब भी सो उसके पहले इसमें सोलह घंटे हो जाने चाहिए और ये पूरे साल पढ़ाई करनी है आपको आप जब सोलह घंटे हर रोज पूरे साल पढ़ाई करते हो जब आप वो करते हो आप अपने आप चेंज ह्यूमन बीइंग हो जाते हैं ऐसे है। है। बिल्कुल सही बात है ना और ये इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ज्यादातर लोग, लोग जिसको आप अपना रोल मॉडल मानोगे ज्यादातर लोग जिसको आप लुकअप करोगे आई एस आई पी और अगर आप आर्मी की ट्रेनिंग लेको नेवी की ट्रेनिंग देखो क्या वहां पे सोलह लोग सोलह घंटे काम नहीं कर रहे लोग कर ट्रेनिंग में तो और भी ज्यादा होता है और उसके बाद काम वहाँ पे कोई सैटरडे नहीं होता वहाँ कोई संडे नहीं होता तो क्वेश्चन ये है कि मतलब खाली अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है आज उसके साथ में जैसे आपने बताया ना समय देना पड़ता है एक दो तीन घंटे दिन के इनफ नहीं होते सोलह घंटे दिन के सात दिन हफ्ते में तीन सौ पैंसठ दिन साल में जब आप वो देते हो आप दुनिया की कोई भी चीज सीख सकते हो बहुत आसान है आज के दिन सीखना प्लस नो एक बात बताइए इतने अपने व्यूअर्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ आज के टाइम पे पहले भी मैंने पूछा था पुष्कर राज ठाकुर जी से पूछा था मैंने ये आज के टाइम पे ना इंसान फोकस्ड नहीं है यूथ है ठीक है और इंटरनेट है

अगर आपके दो हाथ में एक हाथ में मिट्टी हो और एक हाथ में हीरे हो क्या आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि किस हाथ को आप ज्यादा सावधानी से रखेंगे और किस हाथ को आप बहुत आसानी से फेंक सकते हैं ये सीखने की जरूरत नहीं है नहीं। क्योंकि आपको ये पता है कि जिस हाथ में हीरा है आप उसका ध्यान अपने आप रखेंगे आपका फोकस अपने आप हीरे पे होगा Hmm. आपको ये बताने की किसी और को जरूरत नहीं है कि अरे ये दूसरे हाथ में मिट्टी है इस पर फोकस मत करो हाँ, सही तो ये इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आपने जो डिस्ट्रैक्शंस की बात की यहाँ पे क्योंकि आपको ये समझ आ गया कि हीरा क्या है मिट्टी क्या है hmm. यहाँ पे फिर डिस्ट्रैक्शन अपने आप भाग गया क्यों क्योंकि आपकी समझ में प्रॉब्लम थी कि असली में हीरा क्या है समझने में दिक्कत है और वो समझ जब आपको ये आ जाती है अब जैसे मेरे केस में मैं खाली स्टार्टअप ही नहीं करता और बहुत सारी चीजें होती हैं मैं पियानो बजाता हूं फॉर एग्जांपल आई आई अ कपल ऑफ ग्रेड्स फ्रॉम रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक लंडन ऑन द ग्रैंड पियानो सो सो मैं 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 नेशनल टेबल टेनिस खेलता था मैं नेशनल चेस खेलता था uh, मतलब लिस्ट काफी लंबी है क्यों मैंने ये बताया आपको क्योंकि मेरे लाइफ में हमेशा जो मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ और मैं ये नहीं बताता कि ये सही है या गलत तरीका है बट मैं, मैंने इस तरीके से सारी चीजें की कि जो भी काम करो वो उस टाइम हीरा बन जाता है और उसमें पूरे तरीके से अंदर घुस जाता हूँ मेरे लाइफ में अगर मतलब मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कि मैंने आ, घर पे टीवी कब देखा हो बहुत राइट right? मैंने आज तक एक क्रिकेट मैच नहीं देखा बहुत सही। मैंने आज तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं एकदम नहीं करता फॉर एग्जाम्पल आज तक मैंने कुकिंग नहीं किया है तो किचन के अंदर क्या बनता है कैसे बनता है मुझे कोई आइडिया नहीं है आज तक मैंने मैक्सिमम मैगी बनाई है मेरे काम से मतलब है पर मैंने जो किया है मैं बस उसके अंदर इतना घुस जाना चाहता हूँ इतना घुस जाना चाहता हूँ इतना घुस जाना चाहता हूँ कि और वो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कुछ महान बनना है या कुछ करना है मैं अगर पियानो बजाऊ मैं एक साथ बारह घंटे बजा सकता हूँ उसे और बस उसी के अंदर डूब जाता हूँ तो अगर वो अपने आप चीजें हो जाती है तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो अपने आप ऐसा बन जाता है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें अपने आप अपने स्पेस में नंबर वन बन जाते हो तो उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन की बात ही नहीं आई क्यों क्योंकि मैं तो वही कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं तो आप बोल रहे हो डिस्ट्रैक्शन कैसे हटाओ मैं बोल रहा हूं जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसके अंदर पूरा घुस जाओ प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन नहीं है प्रॉब्लम यह है

आई यूज़ टू गेट लाइव सुबह पाँच बजे उठ जाता था जिम जाता था उसके बाद घर आके नहा के पूजा करके उसके बाद लाइव आठ बजे और वी यूज टू तो डिस्कस वन पर्टिकुलर टॉपिक एक दिन बिलीफ के ऊपर बात करी एक दिन सबकॉन्शियस uh, माइंड के ऊपर बात करी ऐसा करके दस दिन हमने कम्प्लीट किया इसमें भी मैंने ये चीज़ बोली कि विनिंग इज़ अ ट्रेट जो सक्सेसफुल होने वाली चीज़ होती है ना वो एक ट्रेट होता है इंसान किसी एक चीज़ में कामयाब अगर है ना तो उसको ना आदत लग जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैंने जो भी किया लाइफ में बहुत छोटी चीज़ है मतलब आपके सामने बहुत छोटी चीज़ है बट देन जो भी किया दैट इज़ बिकॉज़ पढ़ने में फिर मेरे को आदत बहुत बचपन में लग गई थी नाइन टेंथ के अंदर लग गई थी कि पढ़ाई करनी पड़ेगी टॉपर बनना पड़ेगा तो अच्छा किया था टेन सी जी था फिर नाइन्टी टू परसेंट किया था फिर पी सी एम से मुतिला नेहरू कॉलेज में ग्रेजुएशन करी थी तो एक आदत लग गई थी कि यार टॉपर बनना है जब पीटीएम में पापा जाएंगे तो टॉप पे नाम आना चाहिए फिर उसके बाद गिटार बजाया वाज़ द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट गिटार्स इन माय एंटायर स्कूल क्या बात तो अभी फिर फितूर चढ़ा म्यूज़िक सीखने का आज ही सुबह की बात है हमारे क्लासिकल टीचर आए थे स्कूल में ही जो पढ़ाया था तो उनसे म्यूजिक सीखना शुरू किया अब मुझे पता है कि अगर मैं इसमें घुसूंगा तो अच्छे से घुसूंगा अभी तक नहीं सीखा तो नहीं सीखा तो अभी जान के मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि सेम इज विध यू ऑल्सो पियानो भी सीखा आपने आपने बताया नेशनल प्ले कर चुके हो आप टेबल टेनिस कर बताता हूँ कि अगर आपके ट्रैक पे आप जहां तक पहुँच गए हो ना अभी अगर वो गलत भी है तो मेरे को चलेगा पर मैं यही बताना चाह रहा था कि मेरे हिसाब से जब

ब्यूटिफुल ah, पर्सन मतलब यू आर नाइस मुझे अच्छा लग रहा है ओके लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ ऑन्टरप्रिनरशिप आपने काम करना शुरू किया पहली फंडिंग आपने कब उठाई कैसे उठाई कैसे, कैसे कनेक्ट किया लोगों के साथ हाँ um... हमने फंडिंग तब उठाई जब हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया हाँ। मैंने बताया आपको पहले छह साल क्योंकि हम सर्विसेज कर रहे थे तो जरूरत नहीं प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल क्योंकि हम प्रॉफिटेबल थे हाँ। पर प्रोडक्ट में हमें ये पता था कि हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे हाँ। क्योंकि प्रोडक्ट उसी तरीके से बनता है हाँ। हाँ। आपको पहले प्रोडक्ट चाहिए होता है तभी आप उसे जाकर बेच सकते हो पूरा बना हुआ प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है पर एटलीस्ट एक प्रोटोटाइप टाइप चाहिए होती है तो हुआ क्या क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था काफी अच्छा था इन्होंने धंधा किया हुआ है बिल्कुल True. तो जो लोग थे जो जिन्होंने हमा, हमारे को देख रखा था हाँ जी। वो जानते थे कि ये एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो कुछ बोलते हैं वो उसे डिलीवर करते हैं तो उसके कारण Plus जो हाँ ये कनेक्शंस भी सारे बिजनेसेस के अंदर ही थे बिल्कुल और तो मैंने क्या किया ऐसे लोगों को उनके पास जाके उनको बोला कि देखिए मैं एक फर्स्ट टाइम ऑन्टरप्रिन्यर हूँ और मैंने कभी जिंदगी में प्रोडक्ट कंपनी बनाई नहीं है हाँ जी। तो इस कारण मुझे समझ ही नहीं है कि प्रोडक्ट कंपनी कैसे बनती है जी। so, मेरे पहले इन्वेस्टर उस टाइम चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ऑफ स्नैपडील थे ओके। क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट बना रखा था और उसके पहले वो याहू में थे ओके। तो उसके पहले उनकी खुद की स्टार्टअप थी वो स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट थे बेरिया कैलिफोर्निया में थे और वहां से उन्होंने अभी गुड़गांव में शिफ्ट किया था क्योंकि उन्होंने स्नैपडील ज्वाइन करके उनके चीफ प्रोडक्ट ऑफिस ऑफिसर बन चुके थे वो हम स्नैपडील की सिक्योरिटी करते थे उस समय देखा मैंने कहा था ना अब कहा किसके साथ क्या हो जाए बिल्कुल तो उसी के कारण वहाँ पे मैं गया मैंने उनका नाम आनंद चंद्र शेखरन है okay. तो मैंने आनंद से रिक्वेस्ट किया वो यहाँ पास में गुड़गांव में ही रहते थे वो काफ़ी काइंड थे मुझे मीटिंग देने के लिए hmm. तो मैं जाकर मैंने आनंद से ये रिक्वेस्ट किया कि आनंद मुझे तो प्रोडक्ट बनाना ही नहीं आता और आपने दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी प्रोडक्ट कंपनी काम करके याहू स्नैपडील उसके पहले स्टैंडफर्ड में उनके पहले उनका खुद का प्रोडक्ट था खुद का स्टार्टअप था जो उन्होंने ऑलरेडी बेच रखा था तो मैंने बोला आनंद मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए आनंद ने बोला कि देखो आ, तुम मुझे अफोर्ड तो कर नहीं सकते हो क्योंकि हम थे तो छोटी कंपनी और ये स्नैपडील के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर करोड़ों रुपए सैलरी थी उनकी तो मैंने बोला मैं आपको अफोर्ड तो कर नहीं सकता हूँ पर ये जरूर कर सकता हूँ कि आपसे अगर आपको लगता है कि हम कुछ एक प्रोडक्ट बना सकते हैं तो आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमारे अंदर डाल दो और इक्विटी जिसके कारण आप एक इक्विटी होल्डर बन जाओ मुझे आप कितने भी पैसे डालो मुझे पैसों से मतलब नहीं है क्योंकि हम प्रॉफिटेबल हैं हमें पैसों की आज जरूरत नहीं है मुझे जो चाहिए वो आपका समय चाहिए मुझे चाहिए कि आप मुझसे बात करो एटलीस्ट एक बार हर पंद्रह दिन जहाँ पे मैं आपकी गाइडेंस ले सकू कि प्रोडक्ट कैसे बनता है जबरदस्त तो उस कारण हाँ क्योंकि अपने पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमने सर्विसेज अच्छी डिलीवरी की थी और यहाँ पे हमें चाहिए था गाइडेंस तो आनंद वाज वेरी काइंड ही सेड ठीक है मैं इन्वेस्टर बन जाऊंगा और क्योंकि वो आए तो उस टाइम स्नैपडील के हेड ऑफ फाइनेंस हुआ करते थे वो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे तो वो भी आ गए उसके साथ सी एफ ओ फ्लिपकार्ट उस टाइम वो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे तो वो भी आ गए CFO of Flipkart used to be the CFO of uh, Tata Communication first time Tata Communication के CEO उन्होंने उसको कनेक्ट किया मैंने उनसे बात की वो भी आ गए और इन्होंने छोटे-छोटे चेक्स आधे करोड़ करोड़ रुपए के छोटे-छोटे चेक्स हमारे अंदर डाले हाँ। तो हमने करीब 10 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे उस समय करीब-करीब समझ लीजिए अब 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे ये 5-6 करोड़ रुपए रेस लिया। कर लिया तो 5-6% डाइल्यूट हो गई कंपनी पर इसके अंदर हम ऐसे लोगों को जोड़ सके अपने साथ में जो जो गाइड कर सके जिन्होंने ऑलरेडी ये काम ही कर रखा है आहा, इनके आहा। लिए आज इतने बड़े बड़े लोगों के लिए आधे करोड़ करोड़ रुपए लगाना इज लाइक अ राउंडिंग ऑफ एरर जिसको बोलते हैं ना कि यार वो डूब भी जाए कोई बात नहीं है यहाँ पे एक यंग लड़का है जो आ रहा है बोल रहा है कि दुनिया चेंज करना चाहता है ज्यादातर लोगों ने तो दिमाग में सोचा होगा कि पगला है पर चल लगाने में क्या जाता है देखते हैं अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा तो इसी तरीके से काफी सारे लोगों को मैंने मैं मैं, मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि ये जो अगर आप कुछ अच्छे लोगों को लाते हो वो कुछ और अच्छों को लाते हैं वो कुछ और अच्छों को लेके आ जाते हैं तो इन सबको मैं लेके आया इनफैक्ट प्रेजिडेंट ऑफ बोइंग इंडिया हमारे इन्वेस्टर्स बन बन चुके थे उस समय तो उन्होंने मुझे जॉन चेम्बर्स से कनेक्ट किया जॉन चैम्बर्स सी ई थे सिस्को के सिस्को 2000 में फॉर्चून वन कंपनी थी मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी वो और जॉन चेम्बर्स उस कंपनी के सी थे पच्चीस साल तक तो वो उस टाइम रिटायर ही हुए थे सिस्को से और उन्होंने क्या किया था उन्होंने अपने खुद के सौ मिलियन डॉलर्स मतलब कि हजार करोड़ रुपए समझ लीजिए अपने पॉकेट से मतलब साइड में रखे थे खाली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए oh, nice. तो क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ बोइंग इंडिया हमारे इन्वेस्टर ऑलरेडी बन चुके थे और जॉन उस समय इंडिया आए थे एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था नरेंद्र मोदी के साथ में आ, तो उन्होंने एक डेलीगेशन के साथ यू से आए थे पच्चीस सी के साथ में क्योंकि okay. वो वो काफ़ी इनफैक्ट पिछले साल जॉन को पद्म भूषण भी मिला था वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे हमारे प्र, हैं प्राइम मिनिस्टर के तो दो में वो एक कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे मैं भी एक स्पीकर था और वो भी एक स्पीकर थे जी. तो हमारे जो एंजल इन्वेस्टर है आ, प्रत्युष आ, तो ब्रैट जॉन को अच्छे से जानते थे तो बस उनको वहीं पे खींच के लाए मेरे पास और बोले कि मेरे बारे में उन्होंने कुछ अच्छी बातें बोली क्योंकि वो तो मेरे इन्वेस्टर हैं तो अच्छी बातें ही बोलेंगे <laughs> और उसके बाद जॉन को जॉन जॉन को बोला जॉन ये साकेत है मैंने इसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है ये एक साइबर सिक्योरिटी का प्रोडक्ट बना रहा है <laughs> तो अगर आपकी गाइडेंस मिल जाए इसमें तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी आ, तो आप जब बड़े होते हो ना ऐसे टेक्नोलॉजी तो ऐसे लोगों की आप कहानियां सुनकर बड़े होते हो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको पूरा का पूरा रिलायंस जियो इज बिल्ड ऑन सिस्को हार्डवेयर दुनिया की जो सबसे बड़े बड़े टेलको है वो सारे राउटर्स इंटरनेट नब्बे परसेंट इंटरनेट सिसको पे चलता है और वो उस कंपनी के सीईओ थे 25 साल तक hmm. तो वो मेरे सामने खड़े हैं और वो मुझे बोलते हैं कि आ, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी बातें सुन रहा हूँ मुझे ये बताओ तुम्हारी कंपनी करती क्या है पंद्रह सेकेंड में सो आई थिंक मैंने ठीक ठीक कुछ बातें बोली उन्हें तो उन्होंने बोला हाँ तुम जो बोल रहे हो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आ, वो मेरी असिस्टेंट है आ, उनका नाम है श्यान जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है बोले श्यानन से बात करो और आ, कुछ टाइम सेटअप कर लो मैं और जानना चाहूँगा तो मैं शैनन के पास गया मैंने बात किया उनसे और आ, मुझे अगली मीटिंग मिली एक महीने बाद में तो मैं उनके घर गया वो पैलाऑल्टो में रहते हैं कैलिफोर्निया में तो मैं पैलाटो गया और वो बहुत काइंड थे उन्होंने अपना पूरा दिन दिया मेरे को और उसके करीब एक हफ़्ते बाद उन्होंने पाँच मिलियन डॉलर यानी कि करीब चालीस करोड़ रुपए उन्होंने हमारे अंदर इन्वेस्ट कर दिया पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं थी कि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हमारे अंदर ये था दो 2018 से आज 2023 जॉन और मेरी बात करीब करीब होती है एटलीस्ट uh, आधे से एक घंटे हर हफ्ते पिछले पाँच से छः साल तक सो so, मैं ये जो आपको अगर कुछ मेरी बातें अच्छी लग रही है वो ज़्यादातर बातें इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि जॉन और जिस टाइप के लोग हैं मेरे हुँ। आसपास हुँ। उनसे मैंने इतना कुछ सीखा है सो एनीथिंग स्मार्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो उनके कारण है

पहला कंप्यूटर बना रहे थे उन्हें कंप्यूटर का पार्ट चाहिए था जो वो पूरी की पूरी सिलिकन वैली में खाली मतलब लिटरली एक ही कंपनी कम, के पास था उन्होंने कम से कम 200 कॉल्स किए उस सेम कंपनी जब तक उनके सीईओ तक वो पहुंचे और उसके बाद उनके सीईओ ने बोला हाँ हाँ मैं देता हूँ ये पार्ट तुम्हें मैं तुम्हें दे पाऊँगा ये नहीं, चीज़ नहीं। और उन्होंने दे ही डजेंट टेक नो फॉर एन आंसर आप ना नहीं ले सकते हो आंसर के लिए क्योंकि अगर आपको लगता है आपको कुछ करना है तो फिर आपको ना कैसे हो सकता है और इस कारण मुझे क्योंकि आज अगर मैं आपको रीच आउट करूँ क्योंकि हाँ। मैंने आपको ये तो बताया कि कितने लोगों ने हाँ बोला मुझे इन्वेस्ट करने के लिए लिस्ट और ज्यादा लंबी है ऐसे लोगों की जिन्होंने ना बोला क्या लड़का है इन्होंने आज तक कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया और इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि इंडिया से सास साइबर सिक्योरिटी डीप टेक प्रोडक्ट कंपनी बनाना ऐसा इंडिया में आज तक एंटरप्राइज बी टू बी प्रोडक्ट आज तक नहीं बना है बना नहीं था अगर मैं सर्विसेज कंपनी चलाऊं और उसमें फंडिंग रेज करनी थी वो ज्यादा आसान होती क्यों क्योंकि इंडिया से काफी सारी सर्विसेज कंपनी निकल चुकी है पर प्रोडक्ट कंपनी बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है पर आई बीन वेरी फॉर्चुनेट उस तरीके से कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मुझे ना बोलो या हाँ बोलो मेरा काम है कोशिश करना और वो मैं करते रहता हूँ कभी का भिड़ जाता है और कभी कभी नहीं और बहुत बार नहीं बिड़ता तो वो सारी चीजें साथ में आ जाती ओके nice. okay, अब बात करते हैं थोड़ी सी सिक्योरिटी के बारे में वी गॉट टू नो अबाउट योर ऑन्ट्रप्रोरियल जर्नी और ये बहुत इंस्पायरिंग है इससे काफी सारे लेसन हमने सीखे हैं कि रीच आउट करना भी जरूरी है जब लगे कि हाँ अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर लगे कि आप चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब आपको अपना कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा मैथमेटिक्स खुद करना पड़ेगा कि पहुंचना कहाँ है और क्या जो कर रहे हो करंट सिचुएशन के अंदर उससे वहाँ पहुंचना पॉसिबल है तो अगर थोड़े भी समझदार हो तो आपको पता लग जाएगा कि दिस इज़ इम्प्रैक्टिकल तो आपको अगर चेंज की भी जरूरत है तो आपको उतना मतलब उतने गट्स चाहिए करेज चाहिए कि आप उस चीज़ को बदल पाओ तो दिस वॉज सो इंस्पायरिंग ना विल टॉक अबाउट एक लेमन की तरह से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि मुझे कैसे पता लगेगा कि किस लिंक पे मुझे क्लिक करना है किस लिंक पे नहीं क्लिक करना है मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे पर्सनल फ़ोन के अंदर या पर्सनल लैपटॉप के अंदर कहीं से सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है या फिर कहीं पे इन्वेजन हो सकता है कोई इंसान घुस के सारी चीज़ें देख सकता है मैं कैसे अपने आप को बचा सकता हूँ एज एन इंडिविजुअल दो तीन क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हो सबसे पहले आपने बताया मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिंक पे मैं क्लिक कर सकता हूँ या क्लिक नहीं कर नहीं सकता होना चाहिए आप काफ़ी सारी सर्विसेज है जो ये आपको बताती है जैसे अगर आप अपना क्रोम ब्राउजर यूज़ कर रहे हो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो एज एन एडोन उसे कहते हैं वेब ऑफ ट्रस्ट डब्ल्यू ओ टी वेब ऑफ ट्रस्ट करता क्या है जब भी आप कोई सर्च करते हो गूगल हाँ। पे या हाँ कहीं पे भी हाँ। वो उस यू के सामने एक ग्रीन डॉट या ऑरेंज डॉट या लाल डॉट लगा देता है लाल डॉट ऐसी वेबसाइट्स है जो नई हैं या जिनका कोई आ, हिस्ट्री नहीं रही है ग्रीन डॉट ऐसी होती है जहाँ पे Uh, ये बड़ी नॉन वेबसाइट है जैसे गूगल डॉट कॉम जैसे फेसबुक तो मतलब भी, ये फोन पे भी है आपको, है। वो आप दोनों जगह डाउनलोड कर सकते हैं दूसरी बात आपने जो पूछी वो फोन के अंदर अगर कोई घुस के हाँ। अगर आपका डेटा चुरा ले टेलीफोन्स या मोबाइल फोन जिस तरीके से वो डिजाइन हुए हैं मोबाइल फ़ोन्स का इन्वेंशन कंप्यूटर्स के काफ़ी समय बाद हुआ था okay. उसके कारण मोबाइल फ़ोन्स के अंदर एक टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसे जिसके हम कंटेनराइजेशन बोलते हैं यानी कि आपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में बहुत बार देखा होगा वायरसेस मेलवेयर जहां पे एक मेलवेयर लग जाए पूरा का पूरा कंप्यूटर खराब हो जाता है खराब हो जाता है तो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है मोबाइल फोन पे आपने शायद आज तक कभी रेयरली ये सुना होगा कि एक वायरस आ गया जिसके कारण पूरा मोबाइल बंद हो गया करेक्ट बहुत कम होता Correct. है ये मोबाइल फोन डिजाइन सिक्योर्ड बाय डिजाइन है यानी कि आप एक ऐप को खुद परमिशन देते हो कि वो ऐप क्या कर सकता है आपके साथ मोबाइल फोन के अंदर वायरस डालना लैपटॉप hmm. में वायरस डालने से हज़ार गुना ज्यादा डिफिकल्ट है Definitely. मैं ये नहीं बोलता नहीं हो सकता है, है। कुछ तरीके हैं उसको करने के बट टेक्निकली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कंपेयर टू लैपटॉप्स तो इस कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मोबाइल फोन में कुछ चीज़ें हैं जैसे आपका मोबाइल फोन हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड रहना चाहिए वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी सारे एक्सप्लॉय्स पॉसिबल होते हैं फोन के लिए जिसके जिसको जैसे ही गूगल एंड्रॉयड के लिए या आईओएस एप्पल के लिए जैसे ही उनके इंजीनियर्स को पता चलता है उसे अपग्रेड कर देते हैं oh. तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड रखना ये बहुत जरूरी है ओके। okay. उसके बाद आप जब कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं ये देखना कि उसकी परमिशंस क्या है और आप उसे ऐसी परमिशन नहीं दे रहे हैं अगर आप अलाउ दिस ऐप टू बिल्कुल और सबसे खराब चीज उस अलाउ दिस ऐप में प्रॉब्लम क्या होती है जनरली हमें आदत पड़ चुकी होती है ओके 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 करके अलाउ एवरीथिंग कर दे अगर आप एक स्टॉप वॉच या अलार्म क्लॉक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं और उसे आप अपने फोटोज को देखने का परमिशन दे दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं ये तो स्मार्ट तरीके स्मार्ट बात है ही नहीं ना कि आप उसके और आज के दिन Android में ज्यादातर लेटेस्ट एंड्रॉयड फोन में आप ये जाकर सेटिंग्स में प्राइवेसी में ये देख सकते हो कि कौन सा ऐप आप आपके फोटोज देख रहा है कौन सा ऐप आपका मोबाइल आपका मोबाइल से कभी भी ऑडियो सुन सकता है आपका जीपीएस देख सकता है तो अगर आप वो अंदर जाके उसे डिसेबल कर दो hmm. तो आप अपने आप काफी ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं वेरी वैल्यूएबल सो वैल्यूएबल ये करना चाहिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम ना किसी चीज़ की बात कर रहे हैं सपोज like, हम किसी गाड़ी की बात कर रहे हैं ठीक है हमने बात करी कि यार गाड़ी लेने का मन है बी एमडब्ल्यू लेते हैं या ऑडी लेते हैं कुछ भी जस्ट उसके एक दिन के अंदर अंदर ट्वेंटी फोर आवर्स आपको इंस्टाग्राम पर उसकी एड्स चलने लग जाएंगी आप ब्रेसलेट की बात कर रहे हो कि यार ये वाला स्टोन है ना ठीक है ये रोज क्वार्ट्स हैं या कुछ है तो ये ब्रेसलेट पहनना चाहिए इससे लव लाइफ अच्छी होती है कुछ भी आपने बात करी और आपका फ़ोन वहाँ पड़ा हुआ है और उसके बाद उस ब्रेसलेट के या रुद्राक्ष के या किसी चीज़ के ऐड आप हुए इंस्टाग्राम पर वट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस हाउ द सिस्टम वर्कस कैसे काम करता है ये दो तीन तरीके हैं जिसमें ये चीज़ें पॉसिबल है सबसे ऑब्वियस तरीका ये है जहाँ पे आप जब कुछ भी सोचते हो जनरली आप उसे खुद जाकर गूगल पे सर्च करते हो ठीक है या फिर आप इंस्टाग्राम पे उसे सर्च करते हो ठीक है आप जैसे ही सर्च करोगे काफी बार होगा क्या कि आपको वो याद नहीं रहेगा कि आपने सर्च किया या आपने छोटा सा करके उसे बंद कर दिया या किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया तो वो भी व्हाट्सएप फीड करता है कि डेटाबेस के अंदर और इंस्टाग्राम से दिखाता है क्या व्हाट्सएप नहीं देता है क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर जो इंक्रिप्शन यूज होता है वो काफी प्रोटेक्टेड है

कितने बजे भेजा उस भेजने के समय आपका आपके दूसरे चैट से क्या, okay. क्या बट उसके अलावा सब, देख सकते सब कुछ देख सकते हैं उससे भी काफी सारी अच्छी जानकारी मिल सकती है कि आप क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो ये तो पुलिस पता लगाएगी ना कि आपने कितने बजे क्या मैसेज किया था

Uh, आप खुद ही बताइए कि आज के दिन दुनिया में करीब करीब डेढ़ बिलियन लोग व्हाट्सएप पे हर रोज लॉग हाँ, इन करते हैं करेक्ट अगर आप व्हाट्सएप पे जाते हो अब व्हाट्सएप पे एड्स आने शुरू हो गए हैं हाँ, चैनल्स आने शुरू हो गए हैं अब शुरू आज इंस्टाग्राम पे फेसबुक क्या करता है आपको तो फ्री में देता है ना वो सर्विस पर क्योंकि आप उस पर एड्स पे क्लिक करते हो दे मेक अ फॉर्च्यून आउट ऑफ इट एग्जैक्टली द सेम थिंग कैन बी डन इन व्हाट्सएप इन द नियर फ्यूचर I thought, I used to think कि यार हमारे मैसेज पे ना ना जो हमारा, जो हमारा शब्द हम लिखते हैं वो कही ना कहीं कहीं फ़िल्टर जाता है और उससे रिलेटेड हमें एड्स भी WhatsApp नहीं। so, इस कारण मैं बता रहा था जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आप अगर बी की बात करते हो तो बी के एड्स क्यों आते हैं हाँ। जो ऑब्बियस है आपने कुछ सर्च किया ठीक है वो जरूर देखता है इंस्टाग्राम गूगल right? uh, जरूर देखता है आपका सर्च हिस्ट्री okay. ये ऑब्वियस चीजें हो गई कुछ नॉन ऑब्वियस चीजें जो उससे और भी निकल के आ सकती है जब आप कोई बी की वेबसाइट पर जाते हो डायरेक्टली भी अगर गूगल क्रोम यूज कर रहे हो आप तो उसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है आ गया। वो भी गूगल के पास जा रही है करेक्ट है। तो अगर आपने कार देखो डॉट कॉम बीएमडब्ल्यू ऑफ डेली एटसेट्रा एटसेट्रा वो सारी वेबसाइट्स में जाकर आप चीजें देख रहे हो तो ये तो बड़ी ही ऑब्वियस चीज हो गई कि आप रहे हो कि कुछ नॉन ऑब्वियस चीजें जिस तरीके से यह भी चीज हो सकती है वो ये है अगर आप व्हाट्सएप को इंस्टाग्राम को फेसबुक को अपने माइक्रोफोन का परमिशन दे देते हैं हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या उनको आवाज भी आती है क्या बिल्कुल सुनते हैं बिल्कुल सो दर इज नो रीजन कि उसके अंदर वो नहीं सुनेंगे ना nah, काफी बार उन्होंने ये क्लेम किया है कि हम नहीं सुनते सिलेक्टिव चीजें सुनते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा बट द फैक्ट कि किसी के पास आपके माइक्रोफोन का एक्सेस है और आप वो माइक्रोफोन से कभी ही भी देख सकते हो सुन सकते हो कि कोई और क्या बात कर रहा है और आज के दिन स्पीच टू टेक्स्ट कैपेबिलिटी बहुत एडवांस हो चुकी है इसके कारण ये देखना समझना चाहे आप हिंदी में बात कर रहे हो चाहे इंग्लिश में बात कर रहे हो उसे ट्रांसलेट करना काफ़ी आसान हो रखा है तो उसे लेके उसे न्यूरल नेटवर्क में भेजना और ये देखना कि एक पर्टिकुलर ऐड है उसकी प्रॉबेबिलिटी क्या है कि आप उस पर क्लिक करोगे या नहीं करोगे ये बड़ा आसान तरीके से आ, लोग सुन पाते हैं चीजें और इस कारण ये काफी हाईली रिकमेंडेड है कि आप अपने प्राइवेसी में सेटिंग्स सेटिंग प्राइवेसी में जाके अपने माइक्रोफोन का एक्सेस आप वो हटा दो अपने ऐप्स का अब हम बात कर ही रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की बात हमने करी तो एक बहुत बढ़ती हुई चीज है विल टॉक अबाउट दैट एंड इसके ऊपर आपने बताया अभी कि आपने ढाई घंटे की कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी करी हुई है बट विल स्टिल एक क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा कि चैट जीपीटी इतनी हाई डप हुई है अभी सभी यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट तो कितनी मतलब खतरे की बात है या कितनी अच्छी बात है क्या इसे सच में रिप्लेसमेंट आ सकती है जॉब्स के अंदर मतलब जैसे बहुत हाईली स्किल्ड लोग होते हैं एडिटर्स होते हैं कंटेंट राइटर्स होते हैं स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं तो क्या उस लेवल की क्योंकि अभी उस लेवल का नहीं है स्क्रिप्ट राइटिंग अगर आप चार जी बी से करवा तो उस लेवल का नहीं आएगा कि आप मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं तो क्या इस लेवल का भी आना पॉसिबिलिटी है कि एडिटिंग भी उस क्लास लेवल की आ जाएगी और जॉब्स सच में इफेक्ट होंगे और किस-किस तरह के जॉब्स अफेक्ट होंगे व्हाट डू यू थिंक सो दो तीन क्वेश्चंस जो आपने पूछा uh, पहले बार, बार दो तीन क्वेश्चंस पूछ <laughs> अच्छी बात है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं उसे ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, ये हा, मेरे हा। मेरे इंजीनियर वाला दिमाग है जो हर चीज ब्रेक डाउन करके नाइस सो um सो पहली क्वेश्चन जो आपने पूछा कि एडिटिंग पॉसिबल होगी क्या या एक्चुअल में क्वालिटी ऑफ जो आउटपुट है चैट जीपीटी की आप उस किस तरीके से उसे एनहांस करोगे और चैट जीपीटी जिस तरीके से काम करती है विदाउट गोइंग टू अ लॉट ऑफ टेक्निकल डिटेल्स जैसे-जैसे समय आगे जाते जाएगा जी कैपेबिलिटी ऑफ चैट जीपीटी या जीपीटी इन जनरल या एलएलएम मॉडल्स जो है क्योंकि खाली चैट जीपीटी नहीं है फेसबुक का लामा है जो मॉडल बोलते हैं जेमिनाई है अब जो गूगल ने लॉन्च किया ऐसे काफ़ी सारे मॉडल्स आ चुके हैं मार्केट में जिसके कारण इसकी कैपेबिलिटी ट्यूनिंग के साथ खाली बढ़ती ही जाएगी इट हैज टू हैपन देर इज़ नो टू वेज अबाउट दैट नाउ कितनी बढ़ेगी जो एक्सपोनेंशियली राइज करेंगी और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे हम दूसरी बात करते हैं जो तो आपने बताया कि क्योंकि कैपेबिलिटी बढ़ना इसका मतलब हो गया स्किल रिप्लेसमेंट करेक्ट क्योंकि एक अल्टीमेट कैपेबिलिटी बन हम ए जी आई बोलते है, हैं इंसानों की जरूरत क्या पड़ेगी और किस टाइप के जॉब्स उसमें रिप्लेस हो जाएंगे दो टाइप के जॉब्स होते हैं जनरली अगर आप उसे हाँ में बकेट करो ब्लू कॉलर कौर, कौर, जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब्स इसको कहते हैं शुरू में ये माना जाता था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था कि सारे के सारे जॉब्स जो ब्लू कॉलर जॉब है वो रिप्लेस हो जाएंगे क्यों क्योंकि लोग जब हाथों से एक आ, एक रिक्शा चला रहे थे सडनली इंजन आ गया जिसके तो कारण गाड़ी अपने आप चली गई तो अपने आप वो वाली जॉब पूरी तरीके से रिप्लेस हो गई रिप्लेस हो गए हाउएवर चैट जीपीटी के अंदर उसका एप्लीकेशन रोबोटिक्स पे जरूर होगा mm -hmm. जो अभी तक उतने डीप तरीके से नहीं हुआ है ऑलरेडी होना चालू हो गया है और उसमें भी हम काफी एडवांसमेंट देखेंगे बट चैट जीपीटी इन ट्रू सेंस इज फॉर द फर्स्ट टाइम रिप्लेसिंग मोर व्हाइट कॉलर जॉब्स देन mm -hmm. ब्लू कॉलर जॉब्स करेक्ट क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब्स का मतलब होता है कि आप फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा अपनी इंटेलेक्चुअल प्रावेस आपकी क्रिएटिविटी यूज करके mm -hmm. आप कोई चीज कर रहे हो आप कोई चीज बना रहे हो और आप वो जब चीज बनाते हो अपने अपनेक्श इंटे, इंटेलिजेंस को यूज करके अगर कोई और इंटेलिजेंस है जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंटली कुछ चीज प्रोड्यूस कर सके तो ऑब्वियस और आपसे चीपली तो देर इज नो रीजन फॉर एग्जाम्पल आपको अगर हमारे इस पॉडकास्ट का पिक्चर चाहिए आप किसी इंसान को बनाने बोल सकते हो पर आप ये भी, भी बोल, बोल सकते हो चैट जीपीटी को जाके वी क्रिएट अ पिक्चर विद यू नो विद बोथ ऑफ अस एंड वी पुट थिंग्स टुगेदर राइट और वो चैट जीपीटी लिटरली क्योंकि वो बड़ा सस्ता है मतलब महीने के करीब पंद्रह से बीस डॉलर लेता है मतलब हजार डेढ़ हजार रुपए लेते हैं महीने के उसमें आप कितने भी इमेजेस बना सकते हो राइट तो आप इंग्लिश में बताओ कि आपको चाहिए क्या इमेज और आपको इमिजिएटली बना के दे देता है अगर आपको ये सेम चीज करवाना था एक ग्राफिक डिजाइनर से तो नॉट ओनली टाइम ज्यादा लगता पैसे ज़्यादा लगते काफ़ी सारी चीजें होती बट क्या इसका कोई लिमिटेशन नहीं है क्या दुनिया की सारी क्रिएटिव जॉब्स खत्म हो जाएगी क्या दुनिया की सारी वाइट कॉलर जॉब खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली एक नई जॉनर ऑफ जॉब्स भी शुरू हो जाएंगी चैट जी के कारण जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं जैसे एक्सेल शीट आज के दिन एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट बन गई है ऑफिस टू ऑफिस की एक्सेल शीट में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं आप कैसे ड्रैग करते हो आप क्या क्या चीजें मैक्रोज कैसे यूज कर सकते हो आप शीट्स को लिंक कैसे करते हो ये बड़ी बेसिक सी नॉलेज बन गई है और वो उसके एक्सट्रीम लोग जो जानते हैं काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काफी सारे फाइनेंस वाले इकोनॉमिक्स वाले लोग उनकी काफी हाईली वैल्यूड जॉब्स भी होती हैं ट्रू उसी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एक नई फील्ड बन जाएगी जिसके अंदर आपको प्रॉम्ट इंजीनियर चाहिए पता हो कि काम करवाना क्या है क्या ऑर्डर देना है सामने वाले को खाली क्या नहीं कैसे कैसे क्योंकि कैसे इज द आर्ट बट कमिंग बैक कि किस टाइप की जॉब्स चल जाएगी और किस टाइप की जॉब नहीं जाएगी कि जीपीटी क्या कर पाएगा मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा आ, सबसे बड़ा डाउनसाइड यह है कि इंटेलिजेंस को काफी डम डाउन कर दिया गया है जैसे ही हम GPT को इंटेलिजेंस बोलते हैं यानी कि GPT इंटेलिजेंस ट्रू तरीके से नहीं है एक डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस है ऐसे समझिए आपको अगर मैं एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दे दूं जो स्टैटिक है ठीक ठीक है है एक माउंटेन की है। और इन पैरेलल मैं आपको उस माउंटेन पे ले जाऊं जहां पे आप उसको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर पाओ थ्री डायमेंशन फोर डायमेंशन टाइम को भी मिला के क्या इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है आंसर इज ऑब्वियसली यस पर अगर कोई पिक्चर देखे और बोले बस यही एक्सपीरियंस है इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है वो डिससर्विस होगी उस माउंटेन के एक्सपीरियंस को जो रियल माउंटेन का एक्सपीरियंस है चैट जीपीटी जिस तरीके से काम करता है उसके अंदर नेटिव इंटेलिजेंस ये जरूर है कि जो इंटरनेट के अंदर करीब 10 टेराबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन है एज टेक्स्ट मैं इमेजेस और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ खाली अगर टेक्स्ट देखे पूरे इंटरनेट में करीब-करीब 10 टेराबाइट ऑफ टेक्स्ट है वो टेक्स्ट लोगों ने ऑलरेडी पार्स करके मॉडल्स को ट्यून करके अपने आप एक ऐसी चीजें बनाई हैं जो जी पी में आप देख सकते हैं लामा टू में देख सकते हैं सत्तर बिलियन सौ बिलियन डेढ़ सौ बिलियन पैरामीटर्स कि ये एल एल मॉडल्स हैं मोटी मोटी बात अगर मैं आसान तरीके से ये बताऊं कि उसे पार्स करने के बाद जो इंटेलिजेंस निकल के आ रही है वो ग्लोरिफाइड वर्जन है को ऑफ दोज वर्ड्स एक वाइट पेपर है जिसे कहते हैं attention is all it takes ये वाइट पेपर गूगल के कुछ इंजीनियर्स ने लिखा था 2017 2018 में okay. और जीपीटी के लिए नहीं लिखा था वो गूगल ट्रांसलेट के लिए लिखा था पर फिर कुछ और लोगों ने वो सेम पेपर को लेके अलग तरीके से यूज किया इंग्लिश टू फ्रेंच की जगह इंग्लिश टू इंग्लिश पे ओके okay. एंड वो पूरी की पूरी चीज द रेस्ट इज हिस्ट्री जैसे कहते हैं तो ये मैं काफ़ी डिटेल में जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारे जगह मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है कि एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क क्या होता है आप कैसे ट्रेन करते हो उसे आप जीपीटी कैसे बनाते हो ट्रांसफॉर्मर्स कैसे काम करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर आप किस तरीके से लीनियर रिग्रेशन करते हो लॉजिस्टिकल रिग्रेशन करते हो बट उन उन डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो काफ़ी लंबा बन जाएगा आपका पॉडकास्ट बट मैं खाली ये बताऊँगा कि जी एक नॉलेज बेस है काफी सारे जो ये शब्द है जो एक दूसरे से कोरिलेटेड है इनका कोरिलेशन जिसको कहते हैं अटेंशन वेट्स करेक्ट ये जो अटेंशन वेट्स आप जब इंटरनेट को पार्स करते हो वो इंटरनेट पार्स करने के बाद वो वेट्स के बेसिस पे उन वर्ड्स को प्लेस किया जाता है एक मल्टी डायमेंशनल ग्राफ पे सो so, अगर आप एक शब्द की बात करते हो अमिताभ बच्चन उसके पास सबसे पास वाला वर्ड होगा एक्टर उसके सबसे पास वाला वर्ड होगा सुपरस्टार करेक्ट सो so, चैट जीपीटी जब आपको आंसर देता है या जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है वो इस इंटेलिजेंस से प्रिडिक्ट करता है कि बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव लर्नड ओके okay. आपका सबसे बाजू नहीं, का नहीं। वर्ड कौन सा है इसका मतलब दुनिया के सारे लाइब्रेरियंस या दुनिया के सारे बुक्स पढ़े हुए लोग क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे मैंने दो हजार, चार हजार, दस हजार बुक्स पढ़ी है क्या वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं नहीं।, नहीं दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग कौन हैं अगर आप एक सेकंड के लिए सोच के देखें एल्बर्ट आइंस्टीन एल्बर्ट आइंस्टीन इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने पांच बुक्स पढ़ी है उन्होंने बुक जरूर पढ़ी है कुछ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट उसके आगे उनकी क्रिएटिविटी एल्बर्ट आइंस्टीन का एक काफी फेमस लाइन है वो कहते हैं कि मेरे पास कोई स्पेशल शक्तियां नहीं है आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस आप कैसे क्यूरियस होके क्वेश्चन पूछ सकते हो एल्बर्ट आइंस्टीन से भी ऊपर गौतम बुद्ध मेरे हिसाब से पिछले यू you नो know, कुछ uh, कुछ यू नो फ्यू हंड्रेड इज में वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स एट ए वॉक द प्लान गौतम बुद्ध इसलिए गौतम बुद्ध नहीं बने क्योंकि उन्होंने हजार बुक्स पढ़ी किताबें करेक्ट है उनके अंदर कुछ फंडामेंटली चेंज हुआ जिसके कारण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और वो जो डायमेंशन है इंटेलिजेंस की वो खाली वर्ड्स पास करके आप प्रिडिक्ट कुछ कर पाओ और उसके कारण आप सुपर इंटेलिजेंट बन जाओ वो क्रिएटिविटी आ जाए वो पॉसिबल ही नहीं है तो इस कारण दैट इज दैट इज द

जो जो बना रहा है उसे पहला बैग बनाएगा उसकी जो क्रिएटिव डायमेंशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी मैंने बोला मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा बेटर बेटर भी क्रिएटिव हो सकता है जो और काफी सारे तरीकों से जैसे काफी सारे लोगों को लगता है एक बग होता है जिसे कहते हैं okay. okay. कि आपका मॉडल हेलुसिनेट कर ले कि वो जब उसके वेरिएबल्स होते अलग अलग इस वेक्टर ग्राफ में स्टोर्ड तो वो सबसे बाजू वाले जो जो वर्ड्स है जिसके कारण वो कुछ प्रिडिक कर रहा है या तो वो वर्ड्स की प्लेसमेंट गलत हो या कुछ और चीजें हो जहां पे उसके प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ जाए और वो हेलुसिनेट कर ले जिसके कारण वो भी क्रिएटिव बन सकता है क्योंकि क्रिएटिविटी होती क्या है जैसे आपने शुरू में बताया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सो दैट इज विल वॉटन देर रिप्लेस what humans, the great musicians, the great artists create? I personally don't think so. Beautifully answered. मतलब आपकी साथ कन्वर्सेशन में ना आप एकदम इतने डीप में ले ले जाते हो सामने वाले को लगता है ये कन्वर्सेशन हो रही है और भूल जाता हूँ मैं कि यहाँ पे <laughs> मैं पॉडकास्ट करने के लिए बैठा हूँ अमेजिंग अमेजिंग सब एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि चार जीपीटी एग्जैक्टली काम कैसे करता है और क्यों ऐसे एकदम प्रिडिक्टेबल आंसर्स देता है हमारे को इज इट सॉर्ट ऑफ डेंजरस जो आर्टिफिशियल चार्टिबिटी की बात नहीं कर रहा होल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ अभी हमने देखा था कुछ टाइम पहले रश्मिका मंदाना के फेस को यूज करके मॉफिंग करी गई थी और एक वीडियो वायरल हुई थी इंटरनेट पर था कोई और वो कोई मॉडल ही थी जिनकी वीडियो और उस पर रश्मिका मंदाना का फेस लगा दिया और एज इट इज लग रहा कि हाँ यार ये सेम है ठीक है इसके साथ साथ कायली जेनर से शायद बुलवाया गया था काइली जेनर सेट की आई लव पीपल आई लव मैनिपुलेटिंग पीपल यूजिंग इंटरनेट आई लव द वे हाउ पीपल गेट मैनिपुलेटेड ऑन इंटरनेट तो ये भी मॉफ था वो इस मॉफ था तो क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं और इतना अभी मोदी जी को गरबा खेलते हुए दिखाया गया था कुछ टाइम पहले एम श्योर sure आपने देखा ही होगा आप इस फील्ड से हो तो क्या ये है 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 आने वाले टाइम में हो सकता है। साकेत मोदी जी की कोई वीडियो ऐसी आ जाए जिसमें वो <laughs> वो कुछ भी बोल रहे हैं <laughs> तो <laughs> है। एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट पे आंसर दे देता हूं। मेरी टीम मेरे लिए वेट कर रही होगी सो हाँ। so, हम कब करेंगे और आपने मुझे, हाँ। मुझे हाँ। इतने अच्छे तरीके से जवाब दिया बस प्रॉब्लम यह है कि सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाए और इस कन्वर्सेशन के अंदर यहाँ ऑडियंस भी है जिनके अंदर बहुत सारे सवाल आए होंगे अभी तो बस एक काम करना है कि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम आस्क यू नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट्स कर सकते हो मुझे पता है अभी ये देश से ही बाहर जाने वाले हैं

अप रेलेवेंट क्वेश्चंस जो भी बहुत जबरदस्त होंगे और आपके क्वेश्चंस आपके नाम के साथ में अगली बार पूछने वाला हूँ अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए जो मैंने पिछला क्वेश्चन पूछा बिल्कुल सो so, आपने जो बात करी आपने डीप फेक्स के बारे में बात करी द द रियलिटी है कि डीप फेक्स का आंसर अगर आप अपने ओपन आई से कोई वीडियो देखते हो और आपको ये देखना है कि क्या ये रियल वीडियो है नरेंद्र मोदी डांसिंग गरबा और नॉट अनफॉर्चुनेट रियालिटी है कि आप टेक्निकली आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते कुछ छोटी छोटी तरीके हैं फॉर एग्जाम्पल आप उस वीडियो को स्लो करके अगर देखोगे राइट हाफ स्पीड पे वन थर्ड स्पीड पे क्योंकि काफी सारे डीप फेक जेनरेशन प्रोसेस उस वीडियो को इतना डेंस नहीं बना पाते क्योंकि आप वीडियो लाइन में हो आप ये समझते हो कि बेसिकली फ्रेम्स पर सेकेंड जो एफ पी एस होता है क्योंकि डेंसिटी बढ़ाने के लिए पिक्चर को स्मूथ बनाने के लिए आप फ्रेम्स पर सेकेंड ऑप्टिमाइज करते हो आप ऐड करते हो जब आप डीप फेक्स बनाते हो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी फ्रेम्स पर सेकेंड उतनी डेंस नहीं हो पाती है जिसके कारण एज यू कीप मूविंग फॉरवर्ड आप उसे अगर स्लो पे देखो तो आपको दिखाई देगा कि फ्रेम्स स्किप हो रखी है पर यह हमेशा नहीं होता अगर आप काफी एडवांस तरीके से डीप फेक बनाओगे आप उसे बहुत आसान तरीके से चेंज कर सकते Cheat हो या उसे चीट कर सकते हो रही बात ये कि आप फिर उसके बारे में करके आ सकते हो एज एन इंडियन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई लॉ नहीं है विच इज स्पेसिफिकली अगेंस्ट डीप फेस पर इंडिया के आई एक्ट में सेक्शन सिक्सटी बी और सिक्सटी सी टॉक्स अबाउट दैट पर्टिकुलर वे जहाँ पे अगर कोई भी इंसान आपको इम्पर्सनेट करे किसी भी तरीके से चाहे वो डीप फेक का वीडियो हो पिक्चर हो या आपको इम्पर्सनेट चाहे वॉइस में करे आप उसके अगेंस्ट एक केस जरूर दर्ज कर सकते हो उस सेक्शन hmm. के अंडर सो दैट इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली पॉसिबल बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये ये काफी आ, ये काफी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि अगर कोई कुछ करके इंटरनेट पे कुछ डाल दे तो डेफिनेटली आप वो इंस्टाग्राम को या आप किसी वेबसाइट पे जहाँ पे उसे डाले आप उनके एडमिनिस्ट्रेटर को जरूर कांटेक्ट करके ये बोल सकते हो कि देखो ये मेरा वीडियो है आप आपको इसे यू यू नो हैव टू टेक दैट डाउन और ज्यादातर दे विल लिसन टू यू बिकॉज फॉर देम यू नो मेंटेनिंग द प्लेटफॉर्म्स इंटेग्रिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन वन और टू और टेन दिया बट आप क्या उस बंदे या बंदी के पीछे जा सकते हो इमीडिएटली उसे पकड़ सकते हो ये करना बहुत डिफिकल्ट है अनफॉर्चुनेटली मतलब वेल डीप फेक्स आर डेंजरस ए आई आप ऐसे सोच के देखो ए को सोचने का तरीका ऐसा है कि आ, आपके किचन में चाकू है समझ गया मैं समझ गया चाकू से आप फल भी काट सकते हो चाकू से आप मार भी सकते हो बिल्कुल तो प्रॉब्लम इंस्ट्रूमेंट में नहीं है दोस्तों so 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 तो बोलता है वो आपको पता ही है क्या करना है यू नीड टू लाइक सो दैट यूट्यूब एल्गोरिथम विल वर्क ऑन दिस वीडियो और वो और ज्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाएगा और, और ज्यादा लोगों तक इनकी बहुत इंसाइटफुल बातें उन लोगों तक भी पहुंच पाएंगी. They love the conversation. Secondly, comment करके मुझे बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगा मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं यार जबरदस्त मैं आपको मिलता हूं अगले पॉडकास्ट के अंदर और भी अच्छे लोगों के साथ हाँ अगर पसंद आया ना एक काम करना सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है ताकि मैं इन जैसे और भी लोगों तक रीच आउट कर पाऊ और फिर क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबडी सीज कि यार इस चैनल पर तो मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए कितने सब्सक्राइबर्स हैं कितने लोग तक पहुँचूंगा क्या मेरा टाइम वर्थ है इफ़ यू सपोर्ट अस तो हम वहाँ तक रीच आउट कर पाएंगे और और भी ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन आपके लिए लेके आएंगे थैंक यू सो वेरी मच टेक केयर